तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर एप्लीकेशन पे और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का कंप्लीट जो आपको काफी ज्यादा हद तक इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम्स के मेंस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या अलजेब्रा बैंक एग्जाम्स में आता है तो मेरा कहना होगा नहीं सर ऐसा कैसे कह सकते तो पढ़ाते क्यों हो क्वेश्चन तो आते हैं नहीं सुन लो मेरी बात अलजेब्रा एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उस बहुत बड़े के हिस्से के अंदर आपके बहुत सारे चीजें आते हैं जैसे कि नंबर आते हैं वेरिएबल्स आते हैं कॉन्स्टेंट्स आते हैं इक्वेश आते हैं इनिक्वालिटीज आते हैं तो इन सारे के सारे चीजों के कॉम्बिनेशन को आपका पूरा का पूरा अल्जेब्रा कहा जाता है बट इसमें अगर हम बैंक एग्जामिनेशन के डेडिकेटेड हिस्से की बात करें तो वो 2016 से जब से मैं पेपर दे रहा हूं तब से क्वाड्रेटिक पे ही बेस्ड है अब बात ये है कि क्वाड्रेटिक के अंदर, अंदर 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 बहुत सारे चीजें हैं जिससे वो चीजें पूछे जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाई लेवल अल्जेबरा रहा नहीं हाई लेवल क्वाड्रेटिक इनिक्वालिटीज आ रहे हैं यहां पे आज के सेशन में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने सारे किस्म के क्वेश्चन जो आपके पॉसिबल हो सकते हैं आने वाले तीन चार साल के बैंक एग्जाम्स में वो सब कुछ रख लिया है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके एक वीडियो खत्म कर दीजिए

आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है मैं एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लास थोड़ा लंबा चलेगा एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको एक एक करके क्वेश्चन करूंगा आप बस उस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा आप बस देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन होता तो मैं क्या करता क्या कर पाता क्या करने की कोशिश करता और फिर उसका सॉल्यूशन जब मैं दिखाऊंगा तो अप्रोच आपके मैच करना कि सही है या नहीं इस तरीके का अगर आप पेन पेपर लेके करने बैठ जाओगे तो आज का सेशन और भी ज्यादा लंबा खींचा हुआ चला जाएगा तो बस आप लोगों को यही चीज करना है ठीक है जेनेट वाला है हाँ जेनेट वाला है और साथ ही साथ आपका पिनेकल वाला है है ठीक सर आप सॉरी ना बोला करो चलो क्या आएगा आज सर नौ आज सर बजे बजे कुछ नहीं आएगा ठीक है आज नौ बजे कुछ नहीं आएगा आज तो अभी ये क्लास हमारा दोस्त लेट हो चुका है ठीक है बट यूट्यूब के लिए भी हम कुछ कर लेंगे देखते हैं क्योंकि यूट्यूब पे आपका क्लास नौ बजे है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या करूंगा कुछ अच्छा करूंगा देखता हूं तो ये हमारे बैचेस है जेनेसिस

सर हमें तो से मतलब है कभी भी पढ़ाओ अच्छा पढ़ने से मतलब है कभी भी पढ़ाओ स्ट्रैटेजी बता दो होल पेपर के लिए मेंस है बिल्कुल शांति स्ट्रैटेजी बड़ा सिंपल है ये पढ़ो पेपर में आएगा करो हाँ ये ना अभी के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है ना कि ये टॉपिक पढ़ो मेंस में आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेस्ट स्ट्रैटेजी इसके ऊपर अभी फोकस करेंगे ठीक है

आज एक तो रिवीजन होगा भरपूर नए नए सवाल होंगे तो एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को देखेगा थोड़ा बोर हो सकता है थोड़ा तो बोर लगेगा क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं बट अंत तक बोलोगे सर मजा आ गया एक जनरल फॉर्म अगर मैं क्वाड्रेटिक इन का लिखूंगा तो वो जनरल फॉर्म जो दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा ए एक्स स्क्वास प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सर ये क्या है बेसिकली अगर आप देखते हो तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिखता है सेवन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो जनरल फॉर्म में हमने पहले स्क्वायर वाले चीज को रखा फिर एक्स वाले चीज को रखा फिर कॉन्स्टेंट वाले चीज को रखा ऐसे अगर आप लोगों को कोई भी इक्वेशन मिले जहां पे हाईएस्ट पावर यहां पे देख दोस्त यहां पे जो वेरिएबल है सबसे पहले कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूं इस वाले कंडीशन में जो आपके वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल है आपका एक्स और जिसमें वेरिएबल नहीं है वो हमारा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट है कौन हमारा सर कॉन्स्टेंट है हमारा ट्वेल्व जिसमें एक्स लगा नहीं है ठीक है सर तो सर सेवन का कुछ तो नाम होगा मैंने कहा नाम है सर क्या कोफिशेंट है सर खाली कहने से सही होगा नहीं प्रिसाइसली कोफिशेंट सेवन भी है कोप्शन नाइन भी है ये कोफिशियंट सेवन किसका है कोफिशंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसके सामने लगा हुआ है एक्स स्क्वायर का और नाइन की अगर मैं बात करूं तो नाइन क्या है नाइन है कोफिशियंट ऑफ क्योंकि वो एक्स के सामने लगा हुआ है इसका कोई भी वेरिएबल के साथ अटैचमेंट नहीं है इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जाता है वो अपना नाम वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा और वेरिएबल एक्स क्यों कहा जाता है क्योंकि एक्स बदलता रहता है एक सवाल में एक्स के दो तीन मान हो सकते हैं जैसे कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं ले लूं जैसे कि पहला इक्वेशन आपके सामने मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट इक्वेशन x2 7x plus 12 0 माय वन ऑफ द फेवरेट इक्वेशंस में से एक एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस को हम कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले तो आप अगर बेसिक से जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा। दो ऐसे हिस्सों में लिखेंगे जिनके प्रोडक्ट में बारह आ रहा हो इन शॉर्ट बारह के दो ऐसे फैक्टर्स जिनके सम में सात आ रहा हो जिधर से भी घूमो बात ही है तो अगर मैंने तीन और चार का प्रोडक्ट बारह और तीन और चार का सम सेवन देखा तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखेगा अगर मैं यहां से x कॉमन ले लू तो यहां से ये x plus 3 आ जाएगा। और अगर मैं यहां से फोर कॉमन ले लू तो यहां से फोर चला गया तो यहां पे बचेगा x, और यहां से फोर चला गया तो बचेगा थ्री इक्वल टू जीरो अगर इन दोनों टर्म्स में से मैं x प्लस थ्री को कॉमन ले लू तो यहां बचेगा आपके पास x और यहां पे बचेगा आपके पास प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो अब नियम अनुसार अगर दो चीजों का प्रोडक्ट हमारे पास जीरो होता है तो प्रोडक्ट जीरो होने के लिए आपको भी पता है कि अगर मैं दो नॉन जीरो टर्म्स का प्रोडक्ट करूंगा वो कभी जीरो नहीं हो सकते दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो होने के लिए एक टर्म को जीरो होना पड़ेगा अब कौन है वो नहीं पता तो आइदर और केस या तो एक्स प्लस थ्री ये वाला टर्म जीरो होगा नहीं तो एक्स प्लस फोर टर्म ये वाला टर्म को जीरो होना पड़ेगा अगर एक्स प्लस थ्री जीरो है तो एक्स को माइनस थ्री रख दो तो भी ये पूरा इक्वेशन जीरो बन जाएगा और अगर एक्सप्लस फोर जीरो है तो x को माइनस फोर रख दो तो भी ये पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो बन जाएगा और यही जो x है इसको कहा जाता है याद रखिएगा। ये जो x के वैल्यूज आएंगे वैल्यूज आएंगे उन्हीं को कहा जाता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में ये जीरोस का नाम भी लेते हैं जीरोस क्यों क्योंकि इसके डालते ही ये पूरा का पूरा पोलिनोम जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा तो जीरो ऑफ पॉलिम और लास्ट इज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा सर इसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर ये पहले बता देना चाहिए था पता नहीं दिमाग में क्यों नहीं आया बताया हूं लिखा नहीं हूं क्योंकि मैं भूल गया था कि ये नोट आप तक जा रहा है ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप तक जा रहा है ना इसीलिए मेरा ध्यान नहीं था तो मैंने वापस लिख दिया इसको कि वेरिएबल हाईएस्ट पावर अगर दो होगा तो उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं वो एक जनरल फॉर्म ऐसा दिखता है जहां पे वेरिएबल एक्स है कांस्टेंट जिसमें एक्स नहीं है ये नंबर आपका एक्स स्क्का जो एक्स के वैल्यूज निकल के आएंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे उन्हीं को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहेंगे या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनामियस कहेंगे तो यही चीज आपके है लास्ट चीज ये जो हाईएस्ट वेरिएबल का मतलब पावर का सॉरी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर दो है ये क्या डिटरमाइन करता है सर ये दो चीज डिटरमाइन करता है या तो मैं कह सकता हूं कि इस पोरिनोमियल का कोई अगर पूछे कि ऑर्डर या डिग्री कितना होगा तो तुम उसको कहना सर हाईएस्ट पावर अगर दो है तो इस पोरिनोमियल का ऑर्डर या डिग्री टू डिग्री पॉलिनामियल या टू ऑर्डर क्वारिनोमियल इसको हम कहते हैं और ये ऑर्डर और डिग्री का एक ही काम है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स आएंगे तो सबसे पहले

इसको सॉल्व करने का कोई और टेक्निक है सर एक टेक्निक मैं बताना चाहता हूं बताओ भाई सर एक्स स्क्स प्लस, प्लस आपको जब बैंक एग्जाम्स में प्रीलिम्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस जगह पे तुरंत क्या करते हो सर हम क्या करते हैं तुरंत आप सीधा सीधा एक काम करते हो कि जब भी आपके इक्वेशन में प्लस प्लस साइन रहता है आपके रूट जो है वो माइनस माइनस होगा ये एक एक्सेप्शनल केस है कि एक जगह ऐसा आ सकता है जहां पे ये इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता वो कौन सा जगह है वो मैं बताऊंगा लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बस 12 के दो फैक्टर्स ढूंढो जिसको ऐड करने पे साथ तो तुमने कहा चार तीन पहले चार डाल दो फिर तीन डाल दो ऐसे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तक पहुंच सकते हो बट हां वो क्वाड्रेटिक रूट तक में तब तक पहुंच सकता हूं ऐसे मेथड में साइन मेथड में जब तक वो आपका रियल एंड रैशनल रूट होगा अगर वो इरेशनल रूट होगा या फिर अगर वो इमेजिनरी रूट होगा तो मैं वो वैल्यू कभी नहीं निकाल सकता सर, वो क्या है सॉल्व करने के लिए श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले के तहत भी हम जा सकते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स या फिर दो रूट्स आएंगे ना x के दो वैल्यू अल्फा एक आएगा एक बीटा आएगा हाँ सर वो क्या होता है माइनस बी प्लस और माइनस प्लस नहीं एक तो अल्फा लिख लेना प्लस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए इससे भी हम इसके दो एक रूट निकाल सकते हैं और माइनस भी बस इस प्लस के जगह अगर हम माइनस लिखेंगे तो रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए करके हम इसके सेकंड रूट निकाल सकते हैं तो एक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनामेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपन को दिया जाए तो इसके दो रूट हम कैसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कैसे जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन

रूट किसका करोगे बी स्क्वायर बी कितना है सर? का ए का का कितना, तो तो कितना है सर ए है 1. और C कितना है सर सी है ट्वेल्व अगर आप इसको देख के डिवाइड करोगे टू ए साथ टू इन टू ए कितना है वन तो ये आपको आपका पहला रूट दे देगा कैसे ये बन जाएगा माइनस सेवन प्लस 49 में से 12 4, 48, 48 जब जाएगा तो ये ये और आ गया minus 3, अगर आपको कुछ ही समय पहले याद होगा कि आपके इसका एक minus 3 इस तरीके से भी आया था इस तरीके से भी आया होगा तो वो आप फॉर्मूला से भी जा सकते हो अब दूसरा तरीका बीटा निकालने के लिए मैं इतना आपके लिए मेहनत नहीं करूंगा दोस्त आपको एक चीज पता होना चाहिए सर क्या पता होना चाहिए ये जो आपका माइनस सेवन है हाजी ये यहीं ये पे माइनस रहेगा, हाँ हाँ तो मतलब जो वन आना है वही वन आएगा और बाई टू जब मैं करूंगा तो माइनस एट बाई टू अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा आपका माइनस चार तो आप इस फॉर्मूला से भी आपके वैल्यूज निकाल सकते हो लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैंने कहा आप बोल के गए कुछ हो और पहुंच गए कहीं मैंने कहा मैं बोल के कहां गया सर आपने कहा कि कभी भी कोई इक्वेशन आपका प्लस प्लस के फॉर्म में होता है तो उसके रूट माइनस माइनस के फॉर्म में आता है माइनस प्लस के फॉर्म में रहता है ये क्वाड्रेटिक में आपको पढ़ाया गया है सर्च कर लीजिएगा प्लस माइनस के रूट्स होते हैं तो माइनस प्लस और माइनस माइनस के रूट्स होते हैं तो प्लस माइनस लेकिन सर आपने इसके डिसएडवांटेज बताए हैं कि ये कहीं जगह नहीं लगता और बोला था आपने

तो तुम क्या कहोगे सर कैसे कर? मैं दोस्त अगर इस वाले मान को जीरो कर दू मेरे भाई मैं अगर इस वाले मान को जीरो कर दो, तो माइनस बी प्लस जीरो भी माइनस बी होता है और माइनस बी माइनस बी भी होता है तो जो अल्फा हो या बीटा हो वो कितना निकल के आ जाएगा वो माइनस बी बाई टू ए निकल के आ जाएगा दोनों के दोनों मतलब जब हम रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को थोड़ा बड़ा जगह में लिखें क्या जब अपन अल्फा होता है थोड़ा यहां लिखते हैं। ब्लर हो रहा होगा मुझे पता है अल्फा हमारे पास है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टू ए और बीटा होता है हमारे पास माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टू ए अल्फा और बीटा में अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू जो है एक बार प्लस हो रहा है तो एक बार माइनस हो रहा है मैंने एक अपना दिमाग खेला मैंने कहा मैं गया तो गया रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर को ही जीरो कर दो अब कोई ना कोई एनआरआई निकल के आएगा सर रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर को ही क्यों जीरो करोगे बी स्क्र माइनस फोर को जीरो कर दो तो ही तो वो जीरो हो जाए ना तो समझ गया ना मेरे भाई मैं डीपली बता रहा हूं कि ये पूरा टर्म जीरो होना चाहिए और तू उसके बाद बोलेगा कि दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद मतलब बी स्क्र माइनस फोर को ही जीरो होना है तो वो तेरा टैलेंट है तो जब आपका बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जीरो हो जाता है तो ये टर्म कटने के बाद ये वाला भी आपका टू बचता है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इक्वल रूट कब मिल सकते हैं मुझे इक्वल रूट एक तब मिल सकते हैं है, जब उसके बी स्क्र माइनस फोर एसी का मान हमारा जीरो हो जाएगा क्लियर आगे बढ़े जो लोग लेट से आए हैं अभी मत ज्वाइन कीजिए बाद में आराम से रिकॉर्डेड देखिएगा क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया इसके प्योर कॉन्सेप्ट से देखिए आपके हिसाब से ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और प्लीज चैट्स में गरिमा बनाए रखें मैं आज पूरा मैं कैसे पढ़ा रहा हूं ये मेरा स्पीड नहीं है मैं आज आपको लंबा टिकने के लिए धीरे 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 पानी पिला पिला के पानी पिला पिला के बढ़िया से खत्म कर दूंगा आज ये टॉपिक ही खत्म कर दूंगा जिंदगी में ये टॉपिक ही नहीं उठेगा आपसे ठीक है चलो सर अगर हम बात करें मैंने कहा क्या बात करना चाहते हो सर अगर हम एक चीज देखें मैंने कहा क्या कि मेरा मन कर रहा है बी स्क्र माइनस फोर एसी को जैसे आपने इक्वल टू किया ना तो सर जीरोक्वलिटी में तीन किस्म के रिलेशन रहते हैं एक इक्वल होता है एक ग्रेटर होता है एक लेस मन कर रहा है लेस के पास जाने के लिए मैंने कहा तेरा मन बढ़िया जगह पे लेकिन गया सर क्यों क्योंकि मेरे भाई जब तू तो बी स्क् माइनस फोर एसी को लेस देन जीरो मानेगा तो ये वाला टर्म अगर लेस देन जीरो मतलब वो नेगेटिव है अगर वो नेगेटिव है तो रूट अंडर के नीचे नेगेटिव आ गया

अगर बी स्क्वाइनस फोर ए सी ग्रेटर हो गया तो मैंने कहा इसके दो संभावनाएं हैं सर क्या-क्या है? भाई देन जीरो में इसको रियल होने से कोई नहीं रोक सकता रियल रूट्स तो मिलेगा ही मिलेगा इमेजिनरी रूट्स तो खत्म हो गया क्योंकि इमेजिनरी रूट केवल लेस देन जीरो में मिलेगा इवन जीरो हो गया तो भी वहां पे इक्वल रूट्स मिलेगा और ये भी रियल है कोई इसको भी इमेजिनरी मत मान लीजिएगा लेकिन सर यहां पे जब मुझे रियल रूट्स मिलते हैं उसके साथ और कुछ मिलेगा मैंने कहा एट केस है सर क्या अगर तेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए ग्रेटर देन जीरो होने के साथ परफेक्ट स्क्वायर है क्या है परफेक्ट स्क्वायर है तो उस चीज का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो ऑब्वियस बात है वो आपका रैशनल वैल्यू बन जाएगा तो अगर ये रैशनल बन जाएगा तो पूरा का पूरा टर्म आपका रूट बन जाएगा मतलब आपको किस तरीके के रूट्स मिलेंगे रूट्स मिलेंगे लेकिन 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 तो बेचारा अगर वो दस में रह गया तो रूट टेन निकाल पाओगे नहीं उसी को क्या कहा जाता है इरेशनल रूट सेवन निकाल पाओगे नहीं वो क्या होता है इरेशनल लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होता है रूट सिक्सटीन तो वो कटके कितना हो जाता है चार तो उस केस में वो रैशनल होता लेकिन इस केस में वो क्या मिलेगा इस केस में वो मिलेगा इेशनल रूट याद करो जिसने नंबर सिस्टम का पहला क्लास किया होगा उसको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि हमने इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात किया हुआ था अगर आपको याद हो तो दोस्त आइए जाओ मेरा क्लियर तो आपको यहां तक मैंने चीजें बता दिया कि दोस्त बी स्क्वायर माइनस फोर जिसको डी डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है वो अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो मुझे दो रूट्स बराबर मिलेंगे और वो भी कितना अल्फा हो बीटा हो माइनस बी बाई टू है वो आपके दोनों की दोनों बराबर रूट्स मिलेंगे अगर वो लेस देन जीरो होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा और अंडर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर जाना मतलब इमेजिनरी रूट के और लीड करने के बराबर है अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो डेफिनेट बात है वो रियल नंबर तो देगा ही देगा यहाँ पे दो संभावना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रूट निकाल के मैं उसको रैशनल नंबर कर सकता हूं अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन उसके ऊपर रूट लग गया है तो वो कभी रैशनल नहीं इरेशनल बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा तो ऐसे केस में आपको इरेशनल इराशनल मिल जाएगा क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है सर पॉइंट में या फ्रैक्शन में ये सब इरेशनल रूट है आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त ठीक है एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल है भाई पूरा पहला क्लास आपको मैंने पूरे बोर्ड में भर भर के दिखाया था तो मेरे पास वो स्लाइड भी है टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल

प्लस टू के एक्स आप लोग भी साइड बाय साइड निकाल सकते हो जितने लोग जानते हो ये उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसने कहा कि के का क्या मान होगा अगर मुझे रियल और इक्वल रूट्स चाहिए रियल और इक्वल रूट तभी मिलते हैं जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है अगर आप ध्यान से देखोगे इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो ए के जगह बैठा है मेरे भाई नाइन बी के जगह पूरा का पूरा टूके लेके बैठा है और सी का जगह कौन लेके बैठा है चार तो बी कितना हो जाएगा सर टूके का होल स्क्वायर स्क् माइनस फोर इन टू ए कितना है मेरे भाई सर नाइन और सी कितना है मेरे भाई चार और ये अगर आपका जीरो होना चाहिए तो फोर के स्क्वायर एल एच एस में रखो नौ चौके छत्तीस और ये चार यानी कि एक सौ चवालीस को राइट हैंड साइड ले लो चार से मेरे भाई जब तुम इसको काटोगे तो ये थर्टी सिक्स बनेगा किसका वेरिएबल का हाइस्ट पावर दो होने के साथ इसका ऑर्डर और डिग्री दो हो जाता है और ऑर्डर डिग्री दो होने के कारण इसके दो रूट आते हैं और वो कौन कौन आएंगे एक आएगा आपका प्लस सिक्स और दूसरा आएगा आपका माइनस सिक्स तो जितने लोगों ने धैर्य के साथ छह और माइनस से दोनों को ऑप्शन में देखा और उन्होंने देखा कि बी भी, भी हो सकता है डी भी हो सकता को अपना मार किया है कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अभी तक हमने जितना चीज पढ़ा उस पूरे चीज के ऊपर ये वाला उस, क्वेश्चन भी डिपेंडेंट नहीं है आप लोग क्या जानते हो पेपर के बारे में कि आईबीपीएस पीओ मेन साल 2022 22, सबसे टफेस्ट पेपर में से एक था यह क्वेश्चन उसमें से उसने दो से तीन क्वेश्चन दिए थे इस वाले में से उसने दो से तीन क्वेश्चन दिए थे और कट ऑफ आपका दो मार्क का था दो या ढाई उतने मार्क का था तो क्या सिर्फ अगर यह क्वेश्चन आप पूरे पेपर के 45 मिनट में कर लेते तो क्या आपका पेपर सेक्शनल कट ऑफ के वजह से नहीं रुकता तो सिर्फ डिफिकल्ट मानते रहना अलग बात है लेकिन अगर आप में क्षमता है इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या समय लगेगा सिर्फ देखने के लिए कुछ नहीं है माइनस थ्री ए ये पिछले साल का पेपर है क्वेश्चन है ये अंडर रूट से जब मैं फोर करूंगा अंडर रूट से कभी नेगेटिव चीज नहीं निकलता अंडर रूट ऑफ फोर टू ए स्क्वायर का अंडर रूट ए तो ये हो जाएगा आपके पास टू ए और ये हो जाएगा माइनस सिक्स

b इंटू वन बाई बी टू दी पावर माइनस वन किसी भी चीज का नेगेटिव पावर को आप अगर ऊपर ले लोगे तो वो पावर पॉजिटिव कर देगा मतलब ये इन शॉर्ट कुछ भी नहीं है ये b ही है खुद तो b इंटू बी कितना हो गया मेरे भाई बी स्क् माइनस माइनस अंडर रूट ऑफ एटी वन कितना होता है नाइन और ये कितना होता है b और यहां पे आपके पास ये माइनस ट्वेंटी इधर आएगा तो प्लस का ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो माइनस प्लस के दो रूट्स क्या आते हैं सर प्लस प्लस बीस के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे नौ आए तो तुमने कहा पांच और चार लिख लिए मेरे भाई सिक्स सी टू सिक, दी पावर एट अंडर रूट अगर मैं करूंगा मतलब मैं पावर हाफ कर रहा हूं टू फिफ्टी सिक्स का अंडर रूट तो बच्चा बच्चा जानता है कि वो सिक्सटीन आएगा कोई उसमें शंक नहीं होना चाहिए c टू दी पावर एट का अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट का मतलब पावर हाफ तो अगर c का पावर आठ है तो उसका हाफ होके कितना बन जाएगा c टू दी पावर फोर

अगर मैं इसको फोर सी स्क्वायर कर दिया तो यहां पे आपके पास कितना है सर ये थर्टी टू सी को इधर ले आएंगे और यहां पे आपके पास प्लस ट्वेंटी एट है इज इक्वल टू जीरो यहां तक क्लियर है अब इसमें से सारे इक्वेशन में से चार कॉमन जा रहा है तो सी स्क्वायर चार से कटने के बाद ये आठ सी प्लस ये सात इज इक्वल टू जीरो माइनस प्लस के दो रूट प्लस प्लस सेवन के दो फैक्टर्स एड करने पे एट तो तुम क्या कहोगे सर सेवन और वन तो इसके आगे ये फैक्टर्स अब लास्ट मेरे पास क्या है सर ये वाला एक है मैंने कहा कुछ नहीं है मतलब हो जाएगा जिसका पावर टेन है उसका पावर वन बाई फाइव करोगे तो एट एम होल n के प्रॉपर्टी के हिसाब से टेन का वन फिफ्थ कितना हो जाएगा टू मतलब चीक चीक के इतना बड़ा था लेकिन हो गया कितना डी स्क्वायर अगर मैं इस एलएचएस की बात करूं आरएचएस तो ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ थ्री थ्री सेवन फाइव फिफ्टीन होता है और ये डी इधर आ जाएगा तो माइनस फिफ्टीन डी और माइनस का 56 एलएचएस को आएगा तो प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस 56 के दो फैक्टर्स ऐड करने पे 15 तो तुमने कहा आठ और सात मेरे भाई अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ उसने कहा फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द लार्जर रूट्स ऑफ द इक्वेशन सारे के सारे लार्जर रूट इक्वेशन के कितने कितने हैं तीन दो में बड़ा है थ्री फाइव फोर में बड़ा है फाइव सेवन और एट अगर आप ध्यान से देखो तो थ्री फाइव सेवन एट इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जब टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहते तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट से ही बनता है तो थ्री इंटू फाइव सेवन इंटू एट कितना हो जाएगा आठ सौ और ये आपका पांच इंटू आठ चालीस आठ सौ चालीस अगर आपने से किसी ने आंसर ऑप्शन नंबर डी आठ सौ चालीस मेरे से पहले दिया है गजब जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी डी का डी कैसे दी एक, एक बार डी दिखा दो मेरे दोस्त हाँ वो रिपीट कर सकता हूं मैं याद रखना एन एथ रूट ऑफ ए इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर वन बाई एन ठीक है सर ठीक ठीक है थीक है ए टू दावर एम होल्ड पावर एम इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर दोनों का प्रोडक्ट एम एन सर मैंने आपसे क्या पूछा आप मुझे क्या करवा रहे हो यही सही चीज करवा रहे हो सर कैसे दोस्त तुझे क्वेश्चन में फिफ्थ रूट ऑफ डी टू दी पावर टेन पूछा गया था हाँ सर एन रूट को अगर मैं पावर में अपॉन लिख सकता हूं तो फिफ्थ रूट को जो अंदर बैठा है उसके पावर में वन बाई फाइव लिख सकता हूं और इस प्रॉपर्टी में जो पावर में होल में पावर है तो दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो डी का पावर टेन और वन बाई फाइव जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डी स्क्वायर रहेगा क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है अगर ये डी स्क्वायर हो गया तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर आपके पास डी स्क्वायर हो गया ऑफ़ डी के ऊपर क्यूब रूट का साइन नहीं है तो ये हो गया आपके जीरो तो तो में, आप में क्या कर रहे हो कि छप्पन के दो फैक्टर्स आठ और सात कोई बोला डी का रूट बताओ छप्पन के दो फैक्टर्स ऐड करने पे आठ सात तो वो कौन होते हैं सॉरी ऐड करने पे पंद्रह वो होते हैं आठ और सात क्लियर आगे बढ़े ये एक सवाल है। आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिख रहा होगा सर ये क्वेश्चन आपने कहां से लिया था द सेम क्वेश्चन इज आस्ट एन IBPS पीओ मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू ले भाई और दो तीन मार्क ले ले खींच ले यहां से दिख रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ, देख के ही छोड़ देते हैं लेकिन इजी था ये सेम क्वेश्चन डिटो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको अगेन आईबीपीएस पीओ मेंस में देखने के लिए मिला था दोस्त इसको कैसे सॉल्व करना है तुमने अपना ट्राई किया होगा मैं अपना बता देता हूं आपको हंड्रेड एक्स टू दी पावर फोर में जब वन ट्वेंटी पावर फोर एड हो जाएगा तो ये टू ट्वेंटी पावर फोर बन जाएगा टू ट्वेंटी फाइव एक्स टू दी पावर फोर का जब मैं अंडर रूट करूंगा तो दो सौ पच्चीस का अंडर रूट कितना होगा सर फिफ्टीन और एक्स टू दी पावर फोर का स्क्वायर रूट कितना होगा पावर हाफ करने के बाद एक्स स्क्वायर का ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 7X. दोस्त किसी भी चीज का नेगेटिव पावर है तो वो क्या हो जाएगा सर वो ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा टू दावर माइनस वन बाई टू मतलब ऊपर मतलब, जाके ये फोर टू दी पावर वन बाई टू बन जाएगा किसी का हाफ पावर मतलब उसका स्क्वायर रूट हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था तो हाफ फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है सर टू तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस टू और आर एच एस का माइनस फोर एक्स मेहनत और मुझसे मत करो ये जब LHS में आके एड होगा तो ये 7X के साथ 4X होके कितना बना देगा मेरे भाई सर ये बना देगा इलेवन एक्स और ये बना देगा इतना दोस्त अगर मैं आपसे पूछू कि 15 इंटू टू थर्टी के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 11 आए ऐसा कौन कौन है सर प्लस प्लस के दो रूट्स माइनस माइनस ऐसे तो हमारे पास दो फैक्टर्स होंगे पांच और छे और सर ये 15 जो है कोफिशियंट इसको डिवाइड करना है तो ये आगे आपके जो डिवाइजन के बाद ये आगे आपके एक्स के वैल्यू पहले वाले रूप से पहले वाले इक्वेशन से अब दूसरे वाले इक्वेशन में हमारे पास क्या है सर क्यूब क्यूब रूट ऑफ क्या क्वेश्चन आ रहा है सर एक डाउट सर आपने फोर ए स्क्वायर और एट्टी वन बी टू दी पावर स्क्वायर का सिर्फ प्लस टू ए लिया माइनस नाइन भी नहीं होता नहीं दोस्त जब मैं बात करता हूं हमने क्वाड्रेटिक में पढ़े हैं दो रूट लीनियर इक्वेशन का एक रूट होता है लीनियर इक्वेशन का एक रूट कब कैसे पता दोस्तों टू फोर्टी नाइन एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर्टी नाइन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन द हाइएस्ट पावर इज वन अगर लीनियर इक्वेशन में हाइएस्ट पावर वन है तो इसका ऑर्डर डिग्री होने के कारण इसका सिर्फ एक ही रूट आएगा दैट टू अंडर रूट के नीचे से नेगेटिव नहीं तो ये प्लस को ही बट एक्स स्क्वायर फोर्टी नाइन होने के कारण हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने यहां पे दो बार मल्टीप्लाई है ही नहीं यहां लेकिन दो बार मल्टीप्लाई करने पे फोर्टी नाइन आए तो ऐसा आपके पास नंबर क्या है सर प्लस सेवन को भी दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी नाइन आएगा माइनस सेवन को भी सर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस फोर्टी तो मान बियर कर सकता है अपने मन मर्जी इक्वेशन के पावर्स में छेड़खानी नहीं कर सकते आप ना इक्वेशन को छेड़खानी पावर के हिसाब से नहीं कर सकते सर क्यों दोस्त अगर कल आके मैं तुझे दूंगा एक्स इज इक्वल टू वन तो मेरा बस एक कमेंट में आपसे चाहता हूं कि अगर x इज इक्वल टू वन तो क्या x कभी भी माइनस वन हो सकता है सवाल का उत्तर मुझे दे दो बस मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता अगर वन होता तो बात होता लेकिन अगर मैंने आपको x इज इक्वल टू वन पूछा है तो क्या x कभी भी माइनस वन हो सकता है अरे जल्दी आप ही के लिए बता रहा हूं भाई डिटेल में अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे फास्ट फास्ट नहीं क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वन है लेकिन आपका मन किया कि आप दोनों साइड स्क्वायर किए स्क्वायर और इसके साइड का स्क्वायर वन अब आपका मन करेगा कि नहीं कि एक्स स्क्न तो एक ऐसा नंबर जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पे वन ऐसे तो प्लस वन भी होता है और माइनस वन भी होता है तो ऐसे तो एक्स का माइनस वन आपने खुद कर दिया धज्जिया उड़ा दिया मैथ्स का कि एक्स तुम्हें वन दिया था लेकिन सोते सोते वो प्लस वन माइनस वन में कन्वर्ट हो गया आप में से कोई और सर्वशक्तिशाली आएगा जो एक्स इज इक्वल टू वन को सिर्फ स्क्वायर ही नहीं करेगा वो एक्स का चौथा पावर कर देगा मेरे भाई जब वो चौथा पावर करता है तो कौन से नंबर को चार बार मल्टीप्लाई करने पे एक आता है पता है सर कौन? एक को चार बार मल्टीप्लाई करने पे भी एक आता है माइनस एक को भी चार बार मल्टीप्लाई करने पे एक आता है आई आई कौन है स्मॉलेस्ट इमेजिनरी नंबर अंडर रूट ऑफ माइनस वन उसको भी चार बार मल्टीप्लाई करने पे वन आता है माइनस आई को भी चार बार मल्टीप्लाई करने पे एक आता है तो यहां से तो x के चार मान निकल गए और ये चार मान क्यों आए पता है बिकॉज यू है डिग्री ऑफ दिकम्स फोर विच लीड्स टू फोर रूट एंड माइनस वन आई एंड माइनस आई तो आप मतलब ये क्या कर रहे हो प्रॉब्लम समझ रहे हो कि जब आपको कोई चीज दिया गया है लीनियर में यू नीड टू डिलीट एस लीनियर ओनली क्लियर

रीजन व्हाई आई एम गोइंग फास्ट आप समझो मेरे बात को अगर हम मेंस के क्लास में भी प्री के छोटे-छोटे बेसिक्स बताते चलेंगे तो अंतर क्या रह जाएगा आई होप आई अंडरस्टैंड देखिए आप अपने जगह सही हो बट मुझे सबका ध्यान रखना है खासकर उन लोगों का जितने लोगों का परसों एग्जामिनेशन है अगर मैं अपने पेस मोमेंटम को कम करूं तो दोस्त होगा नहीं हम लोग मैच नहीं कर पाएंगे अगर आपको स्पीड कम चाहिए सुबह में बीसी क्वेश्चन करवा रहा हूँ के, के, कर टेंशन वाली बात होगी नहीं आगे बढ़े हाँ सर सर यहाँ पे आपके पास क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर वाई क्यूब है मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर कितना है सर क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर होता है आपके पास फोर और y क्यूब का अगर मैं क्यूब रूट कर दूं तो कितना बचेगा सर मेरे पास सर मेरे पास बचेगा y

उसने कहा कि जो स्मॉलेस्ट रूट है इक्वेशन टू का इक्वेशन टू का स्मॉलेस्ट रूट कौन है सर गलती से भी मत बताइएगा बता ये होता 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 है वो actually में smallest होता है है में में जो बड़ा वो उसको अगर हम बताइए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड आ जाएगा तो जेड एक्चुअली में कितना है माइनस एटीन बाई एट को अगर हम फोर बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर दे तो ये है आपका मेंस का क्वेश्चन बस खींच रहा है तब से दो ये नौ तो जेड का मान कितना आया माइनस नाइन बाई फाइव then then which among the following statement is or are true then से कौन सा चीज सत्य है माइनस वन पॉइंट एट एक्चुअली माइनस टू से क्या होता है सर नेगेटिव में नंबर छोटा होने के कारण ये होता बड़ा है मतलब यहाँ पे आपका जो सिंबल है वो उल्टा है मतलब पहला वाला आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्या चीज क्लियर है दूसरा वाला

कि दो बटा सात और चार बटा पंद्रह के बीच का रिलेशन यही है ना जल्दी से बताओ सर ये तो बहुत समय लगेगा कोई बोलेगा मुझे कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कभी कभार क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे बेहतर रास्ता नहीं होता नंबर टू तो नंबर आपके बेहतर रास्ते भी वेरी करते रहते हैं अगर मैं इस टू बाई सेवन का डबल कर दूं तो क्या न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम हो जाएगा जिमेंबर अगर आपके पास न्यूमरेटर को सेम या फिर डिनोमिनेटर को सेम करने की चुप्की भर में क्षमता है तो दिस इज द फाइनेस्ट अप्रोच फॉर एग्जाम्पल कर दूर डबल तो फोर बाईन दोनों ही चार थे लेकिन तो बहुत कम हो जाएगा. से तो रहेगा. मतलब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो ग्रेटर है क्या इन दोनों के बीच का यहां पर उसने ग्रेटर दिया है ये तो बी हो रहा है अब भाई मेरे पास कलर ही नहीं है मैं जंटा बचा है z z कितना आया सर, z आया सर क्या relation रखता है वो लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन वन दोनों में largest कौन है बात है 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 बात में जिसका value कम है, वो largest है, by by को by कह सकता हूं हाँ सर माइनस वन बाई थ्री हम कह सकते हैं दोस्त अगर मैं आपसे कहूं तो इसका वैल्यू तो आपने निकाल के रखा है माइनस वन पॉइंट एट और इसका वैल्यू आप जब देखोगे माइनस जीरो पॉइंट थ्री 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 करके जाएगा नेगेटिव में जिसका नंबर कम है उसका औकात ज्यादा होने के कारण इनके बीच में ये संबंध रहना चाहिए क्या यही संबंध है सर Z इज लेस देन लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन वन हाँ सर वही संबंध है ये होगा मतलब अगर आप आपा रोक के करोगे थोड़ा आराम से करोगे तो ही जाके इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो तो आंसर क्या होता बोथ बी एंड सी आर करेक्ट क्लियर चलो चलो कोई नहीं कैलकुलेशन थोड़ा स्लो कर देंगे ठीक है टेंशन ना लो ठीक है स्लो कर देंगे <coughs> यहां तक क्लियर है एक बार कमेंट कर दो सर और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स है थोड़ा स्लो कर देंगे ठीक है चलो <coughs> पवित्र भाई उसको थोड़ा रिकॉर्डेड देख लीजिएगा सेकंड वाला इक्वेशन मैंने मैं अभी से पूरा इतना स्पीड इतना स्लो कर दूंगा कि आप खुद बोलोगे ए मास्टर जोर तेज अब जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है वो है किसके ऊपर आधारित अगर आपको कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में दे दिया जाए तो आपको सम ऑफ रूट्स निकालना बिना रूट्स निकाले आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना वो भी बिना रूट निकाल के आना चाहिए सर कैसे आपको कुछ नहीं करना सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सर होता है है इतना चीज आप कर सकते जैसे कि अगर मैं आपको अपना फेवरेट इक्वेशन दू जिसको एक्स स्क्स एक्स प्लस ट्वेल्व ये मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि एक एग्जांपल से आप सारे चीजों को प्रूफ कर सकते हो इसको जब मेरे भाई तो सॉल्व किया तो तुझे क्या मिला था याद है तुझे x का वैल्यू माइनस थ्री और माइनस फोर मिले थे ये तो रक्ट बना होना चाहिए पूरा का पूरा आज ही सॉल्व किया बारह के दो फैक्टर्स ऐड करने पे साथ प्लस प्लस के दो रूट माइनस माइनस तीन चार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं आपसे सम ऑफ क्वाड्रेटिकूट पूछू तो कितना होगा सर माइनस थ्री और माइनस फोर जुड़ के माइनस सेवन होना चाहिए एग्री करोगे माइनस थ्री प्लस माइनस फोर कितना होता है माइनस सेवन और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट आपसे पूछू माइनस थ्री इंटू माइनस फोर माइनस माइनस बारह होना चाहिए मैंने सम और प्रोडक्ट रूट्स निकाल के रख लिया है ताकि मैं इसको क्रॉस का साइन मैंने फॉर्मूला में जगह यहां पे कौन डाला एक माइनस सेवन बाई वन माइनस सेवन होता है क्या ये आपके नियम अनुसार जो रूट्स का सम है उसके साथ बराबर है दन, दन। और जब मैंने सी बाई ए की तलाश की तो सी के जगह बारह है और ए के जगह जब मैंने एक रखा तो बारह बटा एक बारह हो गया क्या ये आपका जो नियम अनुसार प्रोडक्ट होना चाहिए उसके साथ बराबर है हाँ और इसी के साथ आपको एक प्रॉपर फॉर्मूला के बारे में आइडिया मिल ही गया होगा कि जब भी मुझे सम ऑफ रूट्स पूछा जाए क्वाड्रेटिक जाएल का वो माइनस बी बाई ए होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो सी बाई ए होता है मैं आज आपको इतना सक्षम बना दूंगा कि क्लास के बाद आपको सर्वशक्तिशाली सही में फील होगा लेट अस डिस्कस अबाउट क्यूबिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पूछूं तो सबसे पहले ए लगाना क्यूबिक में डिग्री और ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल थ्री होता है तो सबसे पहले एक्स में तीन पावर लगाना फिर एक नेक्स्ट अल्फाबेट बी लिख देना एक्स में दो पावर लगाना फिर एक सी नया एक्स पावर वन लिखने की जरूरत नहीं फिर पावर एक्स का होगा ही नहीं मतलब एक्स है ही नहीं एक्स टू दिपा जीरो या फिर वन और इज इक्वल टू जीरो कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि डी आपका कॉन्स्टेंट है सी आपका कोविशंट ऑफ एक्स बी आपका कोविशेंट ऑफ एक्स स्क्काशेंट ऑफ एक्स क्यूब है दोस्त आपको यहां पे इसके जो रूट्स मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे इसके तीन ऑर्डर होने के कारण इसके तीन रूट्स मिलेंगे अल्फा बीटा और गामा एक सवाल इनके अल्फा बीटा और गामा के सम के ऊपर आ सकता है मेरे जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोम हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल हो सम ऑफ रूट्स हमेशा माइनस बी बाई ए होता है क्या ये पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पे मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा यहां पे मैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम के पास पहले जाऊंगा सर ये क्या है इसके जो तीन रूट्स हैं उनको दो दो करके गुच्छे में प्रोडक्ट करो अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा इनका जो सम होगा वो कितना होगा पता है सर कितना सी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा ये कितना होगा पता है डी बाई ए अब जो मैं कहूंगा पेन और पेपर ड्रॉप करके सबको कंफ्यूजन हुआ मैं हूं मैं गया नहीं हूं अगले स्लाइड में भी नहीं गया हूं तो तुम ज्यादा क्यों हो मैं हूं खींच के नीचे ले आए जब अल्फा बीटा था तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पास योग्यता सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के गुणा पे था लेकिन अल्फा बीटा के साथ जब गामा आ गया तो अल्फा बीटा गामा के साथ आप अभी दो दो में पेयर बांट सकते हो क्योंकि जब आपके पास सिर्फ दो ही रूट्स थे अल्फा बीटा दो दो का सिर्फ एक ही पेयर बन रहा था यहां पे ज्यादा बन रहे हैं अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इसीलिए ये चीज चल रहा है और फिर तीन तीन का पेयर मतलब मैं पहले सोलो का पेयर फिर दो का पेयर फिर तीन का पेयर जा रहा हूं मतलब अगर कभी आपको जिंदगी में किसी ने बाई क्वाड्रेटिक के बारे में पूछा होता क्वाड्रेटिक के बारे में पूछा होता है जिसका डिग्री चार है जिसके चार रूट आएंगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा तो डेल्टा तो इसके क्या क्या आप कर सकते हो एक तो मैं सारे के सारे सोलो ऐड कर सकता हूं या तो मैं दो दो के गुच्छे में ऐड कर सकता हूं हां या ना जल्दी बता ऐसे करके अल्फा बीटा बीटा गामा ये फिर ये दोनों फिर ये दोनों ऐसे करके डॉट 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 इन सब का सम निकाल सकता हूं या तो मैं तीन तीन के गुच्छे निकाल सकता हूं तीन तीन में अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा डेल्टा फिर बीटा गामा डेल्टा और कुछ छोटा अल्फा बीटा गामा अल्फा ये और ये फिर ये वाला कोई एक तो मैं छोड़ रहा हूं अल्फा बीटा गामा हा अल्फा बीटा डेल्टा और बीटा गामा डेल्टा इनका सम निकाल सकता हूं और तीन के बाद चारों का चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा सर निकाल तो सकता हूं इतना कितना फॉर्मूला याद रखू एक बात बोलू दिल खुश हो जाएगा सर क्या स्टार्टिंग किससे होता है सर स्टार्टिंग तो आपने कहा था सारे केसेस में माइनस बी बाई ए पे होता है मतलब सेकेंड टर्म जो आपका होता है पॉलिनोम का इसका पॉलिनोम लिखना में भूलिए यही है ना तो आपको सबसे पहले किसमें स्टार्ट करना है पता है किसमें सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट मतलब सर सर नहीं होता मैंने होता मैंने मैंने कहा कहा क्या है 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 माइनस ठीक वाला कितना कितना आएगा पता है? सर, कितना? C और अगर आपको ध्यान हो तो ये किस में आता है ये पॉजिटिव में आता है जो तीसरा वाला होगा वो यहां पे क्या लिखा गया है वो ए सॉरी यहां पे मैंने गलत लिख दिया ये माइनस डी बाई ए होगा सॉरी अभी पकड़ में आ जाता है मतलब फोर्थ एलिमेंट अपॉन फर्स्ट एलिमेंट लेकिन वो किस में आएगा माइनस मतलब माइनस प्लस माइनस का ये चेन चलता रहेगा ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए सर मैं बोलूं अगला वाला प्लीज मैंने कहा सर ई बाई ए मैंने कहा पॉजिटिव या नेगेटिव सर माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस में आएगा क्या अब आपका सारा का सारा चीज क्लियर है जल्दी से बताओ चलो क्या ये चीज क्लियर है कि आपको करना क्या है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया मैंने कहा सर दो रूट्स आएंगे मैंने कहा सर अल्फा और बीटा मैंने कहा सर या तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा या तो अल्फा बीटा मैंने कहा सर सम कैसे निकालेंगे सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म लेकिन स्टार्टिंग नेगेटिव से होगा माइनस बी बाई ए सर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे थर्ड टर्म अपन फर्स्ट टर्म सी बाई ए लेकिन वो पॉजिटिव है सर अगर बाई क्यूबिक पॉलिनोम होगा मैंने कहा सर इसके तीन रूट्स आएंगे अल्फा बीटा गामा मैंने कहा

सर एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा चारों का इंडिविजुअल सब या फिर दो दो के गुच्छे में या तो तीन तीन के गुच्छे में या तो चारों का एक ही तो गुच्छा बनेगा मैंने कहा तो सर चार कंडीशन मैंने कहा तो सर क्या करेंगे बी बाई ए में नेगेटिव सी बाई ए पॉजिटिव डी बाई ए नेगेटिव ई बाई पॉजिटिव क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसको क्लियर है जल्दी से मुझे बताओ क्या ये चीज ये जरूरत नहीं है मैंने बस मैंने आज आपको क्या कहा कि पिछ, अगले दस साल तक भी अगर आप बैंक एग्जाम दोगे ना तो आपको इससे ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी उस तरीके से मैंने बता दिया था ठीक है अगर ये सारा का सारा चीज क्लियर है तो अब हम इसके क्वेश्चंस में एंटर करते हैं और आपको थोड़ा तकलीफ थोड़ा प्रॉब्लम में डालते हैं दोस्त मेरे साथ कीजिएगा अगर हम दोनों अलग अलग करेंगे ना तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा कोई लर्निंग के लिए आया है तो आप करो ही मत आराम से लर्न करो जो ऑलरेडी ये सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं वो प्रैक्टिस के लिए इंप्लीमेंट करो अगर इक्वेशन दो को मैं सब्ट्रैक्ट कर दू इक्वेशन एक से इस इक्वेशन दो को अगर मैं एक से सब्रैक्ट कर दू तो मुझे सम ऑफ द न्यूली फॉर्म इक्वेशन का बताना है ये आपका कौन सा पेपर का क्वेश्चन है है ये आपका आईबीपीएस क्लर्क का क्वेश्चन मैं सब बताता चलूंगा प्रीवियस ईयर का ये आपका आईबीपीएस क्लर्क मेन्स साल दो हजार इक्कीस उसका पेपर है क्वेश्चन है जब मैंने इस वाले को इस वाले से माइनस किया तो बचा मेरे पास कितना

जैसे मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिखा तो मेरे दोस्त सबसे पहला ए तो आपने चार ठीक लिखा लेकिन दोस्त अगर तुमने B को चार लिख लिया है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं क्यों क्योंकि B यहाँ पे कितना है सर माइनस फोर है इसीलिए अंदर ये प्लस को उसने बाहर माइनस कर दिया है तो B का मान माइनस फोर है और मेरे दोस्त C कितना है C भी सर सेम काम कर रहा है अगर नेगेटिव है तो माइनस फिफ्टीन हालांकि सी तक जाने की जरूरत नहीं थी बट बी जाना है इसीलिए मैंने बता दिया फॉर्मूला का एग्जिस्टिंग माइनस मैंने लगाया हुआ है बट बी का जो 4 का माइनस अभी तक नहीं लगाया हुआ है और ए जो कि चार है वो अभी तक मैंने डिवाइड नहीं किया है और जब मैं करूंगा तो ये कट जाएगा चार पॉइंट चार एक हो जाएगा और अगर आप में से किसी का आंसर ऑप्शन नंबर ए वन आया है बिना नेगेटिव के गजब पहले सवाल का उत्तर आपने बड़े खूबसूरत तरीके से दे दिया है साल दो में अगर लेवल अब भी होगा तो मैं आपको ट्रेन करने के लिए यहीं पे हूँ आपके सामने क्या आपने ये सवाल देखा मेरे भाई किया है और उसने उन दोनों के बीच का डिफरेंस तीन बोला है तो मुझे के का वैल्यू चाहिए और वैल्यू ऑफ स्क्र ऑफ स्मॉलर रूट चाहिए उनके बीच का वो सब तो सही है बस एक बार बताओ कि जो इक्वेशन उसने एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो दिया है मैं या तो माइनस बी बाई ए या तो सी बाई ए का प्रयोग कर सकता हूं सी बाई ए का प्रयोग करके कोई फायदा नहीं क्योंकि के मुझे पता नहीं तो क्या मैं माइनस बी बाई ए से इसका सम ऑफ रूट्स यानी कि अगर इसके दो रूट्स ए बी है तो इनका सम ऑफ रूट्स ए और बी निकाल सकता हूं सर कैसे माइनस बी इसका बी खुद कितना है माइनस तीन और बटे में ए ए जो है वो वन है तो ये आपके पास कितना हो गया ए प्लस बी सर अगर ए प्लस बी तेरा है तो इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस ए माइनस बी मैंने कहा हाँ ये तीन है मैंने कहा सर आपसे एक बात कहूं मैंने कहा सर दो चीजों का सम तेरा है डिफरेंस तेरा है अगर आप एड कर दोगे तो ए ए टू ए बन जाएगा और तेरह प्लस तीन सोलह बन जाएगा और ए का मान सर आठ बन जाएगा मैंने कहा दोस्त एक बात बोलो अगर ए आठ हो जाएगा देन उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ के दोस्त आपको पता है ये K क्या है सर ये के एक दूसरा तरीका है वो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं क्वेश्चन फ्रेमिंग वाला तो जो पढ़ाया नहीं मैं उसमें अभी दिमाग नहीं लगाऊंगा जो पढ़ा दिया है उस बेसिस पे करेंगे आप में से कितने लोग जानते हो कि आपको अगर एक रूट ए, एक आठ मिल चुका है और दोनों रूट के बीच का अंतर तीन है और मैंने एक को बड़ा लिया है तो b अपने आप कितना हो जाएगा 3 इन दोनों का प्रोडक्ट के ऊपर ही c a पे ही एक ये बैठा हुआ है तो मेरे हिसाब से इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए सर आपके हिसाब से ए और बी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आठ या चौबीस होना चाहिए मैंने कहा पता है ये ए इंटू बी क्या होना चाहिए सर क्या ये सी बाई ए होना चाहिए मैंने कहा सर पता है सी कितना है मैंने कहा इस इक्वेशन में तो सी के है और ए कितना है मैंने कहा ए तो यहां पे एक है क्योंकि प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फोर में लिखा जाए ना तो सी के जगह तो K है, के है ए के जगह वन है तो सर इसी से आपका के का मान कितना आ गया मेरे पास चौबीस और के का मान अगर चौबीस आ गया है तो ये आपके पास चालीस बी पांच आठ में से तीन ओहो हो आठ में से तीन जाएगा आठ में से तीन जाएगा तो ये पांच हो जाएगा और आठ पंजे ये चालीस हो जाएगा और गेम में थोड़ा सा चेंजेस है मेरे भाई ये वाला टर्म कितना बन जाएगा मेरे भाई

ये आपका पिछले साल का नहीं ये पिछले साल का नहीं ये कौन से साल का ये कौन से साल का ये कौन से साल का अरे अभी तक जो मैंने 21 लिख दिया ना वो सब 21 का नहीं है वो सब 20 के और ये भी आपका 20 का है मैंने पहले 20 का लाइन अप किया हुआ है आईबीपीएस में 20 का क्लर्क में साल 2020 का यस सर चलो ठीक है सर एक्स स्क्स ट्वेंटी थ्री एक्स मैंने कहा, हो पाएगा। उसने कहा कि इस गिवन दूसरा रूट इस इक्वेशन का कितना होगा बताते सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं हाँ सर पूछो एक्स स्क्वायर रखे माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखें दोस्तों रिपीट से पहले एक बार ध्यान से सुन लेना फोर्ट सिक्स एक्स स्क्वायर जब फिफ्टी फोर एक्स स्क्वायर के साथ एड होगा तो हंड्रेड एक्स

c के जगह k बैठा है उसने दिया नहीं अभी के लिए रास्ते तो है भाई इसके लिए भी रास्ते हैं मैं तो के भी निकाल सकता हूं लेकिन थोड़ा सब सर क्या थोड़ा सब कि अगर मुझे दूसरा रूट ही निकालना है तो मैं आपसे सिर्फ उन दोनों रूट्स का सम एक बार पूछना चाहता हूं सर सम मैं देता है ना बनेगा कैसे सर एक माइनस डिफॉल्ट वाला फार्मूला वाला b यहां पे खुद -23 है और ए यहां पे टेन है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद तेईस बटा दस ये उन दोनों का सम होना चाहिए मैंने कहा रूट वन अल्फा और बीटा का सम यही यही होना होना चाहिए हाँ सर, ये ही होना चाहिए सर तो तो मैंने कहा देरी किस बात का एक रूट दिया है अल्फा समझना जगह डाल और बीटा तो निकाल ले सर बीटा इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री बाई टेन माइनस थ्री बाय टू सर बात बोलो मैंने कहा सर अगर मैंने इसके डिनोमिनेटर को पांच गुना करके दस कर दिया तो पांच गुना करके ये पंद्रह तो सर तेईस में से पंद्रह जाएगा तो सर ये हो जाएगा आठ और नीचे हो जाएगा दस एट बाई टेन सिंप्लीफाई होकर वही हमारा सेकंड रूट है। और सेकंड रूट रूट है है और ऑप्शन नंबर सी अगर आप में से किसी ने आंसर दिया है, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी बड़े ब्यूटीफुल तरीके से हम इस चीज को कर सकते थे बिना के को इस सवाल में इन्वॉल्व किए लेकिन अगर उसने ईगो पे के डिमांड किया होता तो मैं के का मान कैसे निकालता मेरे भाई सर अब और के लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं ज्यादा सर क्यों आपको आपका इक्वेशन ये वाला दिख रहा है मेरे भाई ये वाला इक्वेशन दिख रहा है हाँ सर ये वाला इक्वेशन दिख रहा है इस वाले इक्वेशन के हिसाब से आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होना है? सर यानी 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 कि 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 के ही होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट जब तेरा एक रूट थ्री बाई टू है और दूसरा रूट फोर बाई फाइव है कितना होना चाहिए सर थ्री बाई टू इंटू फोर बाई फाइव यही प्रोडक्ट होना चाहिए तो इसी से तुझे के निकालने के लिए कितना ही भला समय लग जाएगा मैं भी थोड़ा देखना चाहता हूं किसी ने K का मान सिक्स बाई फाइव निकाला है क्या एक बार कंफर्म कर दो, कमेंट कर दो दो कमेंट बाई ट्वेंटी मैंने कुछ अलग ही दुनिया पे धुन गा लिया क्या थ्री बाई टू फोर बाई फाइव थ्री बाई टू फोर बाई फाइव जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे भाई आंसर कर रहे हो 3 by 2 को इक्वेशन में अप्लाई नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हो लेकिन थ्री बाई टू को अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आपको के पहले मिलेगा और के मिलने के बाद आप दूसरे रूट के पास जाओगे मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका कह रहा हूं ठीक है मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका कह रहा हूं मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता जैसे कि इस सवाल में मैंने के निकालना आपको फिर भी आसानी से सिखा दिया कि दूसरा रूट निकाल वहां से और के तक पहुंच जाए अगर आप चाहते तो सर इस इक्वेशन का एक रूट अगर है तो आप इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो आप सोच रहे हो आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है इसको नाइन बाई फोर इसको सिमिलरली थ्री बाई फोर और ये वाले में आप पहले के के पास जाओगे फिर के से आपको क्या संबंध मिलता है के से हमें संबंध मिलता है प्रोडक्ट ऑफ रूट तो एक रूट का दूसरे रूट के साथ सपोज ले लोगे को K के साथ बराबर करके से भी निकाल सकते अरे इसमें लिखे क्या मतलब देखते हैं मन करना है इक्वेशन फॉर एक्स बड़े क्लासी लगते हैं मुझे लेफ्ट एंड आपको भी नहीं लगता वो बढ़िया से ऐसे करके पढ़ाते हैं मतलब लेफ्ट एंड मुझे मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया औकात पे आ जाते हैं अगर जो रूट ऑफ द इक्वेशन ये वो आपके थ्री टू फोर के रेशियो में है तो सी कितना है देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के अनेकों तरीके होते हैं मैं उनमें से एक बताऊंगा आप कमेंट बॉक्स में दूसरा तीसरा चौथा तो जो बताना है बता सकते हो बट मैं किसी एक के साथ ही जाऊंगा उसने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स है ना वो आपस में तीन चार का रेशियो रखते हैं तो मुझे सी का वैल्यू बता ऐसा नहीं लग रहा पिछले सवाल के तरह देखना देखा लग रहा है सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ, अच्छे से पूछो अगर मैं इक्वेशन में तुम्हें रूट्स पूछो, तो तुम मुझे क्या कहोगे और यहाँ पे बी माइनस ट्वेंटी वन और ए फोर है तो सर ये ट्वेंटी और क्या कर सकते मैंने कहा थोड़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के एक बार लिख दोनों को तुम्हारा क्वेश्चन कैसे नहीं होगा मैं भी जरा देख लेना चाहता हूँ

तो फिर इन दोनों का सम जो है वो तो सेवन जेड होना चाहिए हाँ कि नहीं हाँ दोनों का मान तीन बटा चार अगर मेरे दोस्त जेड का मान तीन बटा चार है तो पहला रूट जो है वो कितना हो जाएगा सर ये तीन नौ बटा चार और दूसरा वाला चार किया बारह बटा चार जो कि तीन है मैं देख पा रहा हूं लिख दिया लिख दिया और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट अगर सी बाई फोर होगा तो नाइन बाई फोर और ट्वेल्व बाई फोर का प्रोडक्ट अगर मैंने ऑलरेडी सी बाई फोर के साथ लिख के रख लिया है चार चार के साथ काटो तो, चार यहां पे तीन के साथ काटो तो, किसी का आंसर अगर ट्वेंटी मतलब कितना स्मूथली इससे और भी अच्छे रास्ते हो सकते हैं बट हर क्वेश्चन का अलग अलग अप्रोच लगाने से बढ़िया आप सिर्फ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर ही निर्धारित रखेंगे चीजों को तो कम समय में बन सकता है सवाल ठीक है तो 27 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कितना प्यार से हुआ हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया जो रूट्स है उनका अगर थ्री फोर तो उनको थ्री जेड और फोर जेड दोनों रूट्स मुझे साक्षात मिले सी बाई फोर के साथ बराबर किया, तो ये नहीं आया समझ ये वाला चीज देख रहे हो उसने कहा एक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स जो है आप क्वेश्चन पढ़ो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन

बट अगर मैंने रूट और फोर जेड लिया तो मेरा कितना आना वैल्यू थ्री बाई फोर अगर जेड थ्री बाई फोर है तो मेरा पहला रूट थ्री इंटू थ्री बाई फोर नाइन बाई फोर फोर इंटू थ्री बाई फोर ट्वेल्व बाई फोर दूसरा रूट हो जाएगा और जो ये दोनों के आएंगे उनके प्रोडक्ट को c बाई फोर यानी कि c बाई ए होने से कोई नहीं रोक सकता और उनके प्रोडक्ट को जब मैंने c बाई फोर किया खत्म हो गया Clear? कुछ नहीं है आप ध्यान से एक बार सुनो बड़ा सिंपल तरीका है आप बस इसको चीजों को बहुत डर जा रहे हो पहले से ही डर उसको हटाओ मन से उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच देट द स्क्स द रूट ऑफ देशन एक्स स्क् माइनस एट एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो बड़ा सिंपल सा सवाल है उसने एक इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस एट प्लस के इज इक्वल टू जीरो मेरे भाई हाँ सर और इसका जो कहा उसने वो क्या कहा कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 40 सबसे पहले अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए सर माइनस बी कितना है सर माइनस और ए कितना है वन तो ये हो जाएगा minus, minus,

तो मुझे एक बात बताओ कि के का मान कितना होगा के ये ठहरा सर 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 वे तो सब हम निकाल लेंगे मैंने मैंने कहा कहा कैसे क्या क्या है क्या है सर, अगर मैं आपसे अल्फा बीटा तो आप हाँ। तो दोनों प्रोडक्ट ही अल्फा और बीटा दे दो ना मैं उनके गुणा से आपको मैं ही करूं और तुम भी कुछ करोगे क्या करें मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कहा दोस्त इसके बहुत से तरीके हैं जैसे कि अगर आपको एक तरीका आपको जानना है तो वो ये है हिट एंड ट्रायल करोगे सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें इक्वेशन के उलझनों में पड़ो ही मत इस सवाल के मतलब इक्वेशन के उलझनों में पड़ो ही मत या तो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला चीज कर सकते हो यहाँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स क्यों करेंगे जबकि नंबर के स्क्वायर का सम चालीस ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं भाई चालीस तक दो ऐसे नंबर के स्क्वायर बता जिनको जोड़ने पे चालीस आ जाए तो भाई एक नंबर कभी भी हो नहीं सकता क्योंकि सात का स्क्वायर खुद फोर्टी खुद जोड़ू तो चालीस कैसे तो मतलब हाइएस्ट स्क्वायर छत्तीस छ का जा सकता है अब छत्तीस में कितना जोड़ने से चालीस चार और वो भी दो का स्क्वायर ठहरा तो मतलब इनमें से अगर एक दो है तो दूसरा छ है छत्तीस और चार समचालीस और दो और छ का सम भी आठ खत्म है कभी कभार दिमाग को ऐसे ही करके देख सकते होल स्क्वायर वाला मेथड में लिख रहा था बट फिर मैंने दिमाग कहा कि नंबर भाई इतने छोटे हैं ना भाई इतने प्यारे से है चालीस तक सबसे बड़ा तो छत्तीस खुद है छह का उसके साथ ही टैली करते वक्त चार मिल गया मुझे और अगर ये सारी के सारे चीजें मिल चुके हैं तो मुझे एक बात बताओ अल्फा मिल चुका है बीटा मिल चुका है दो छे तुमने ही तो कहा था कि अल्फा बीटा दो उनके गुणा से मैं कह दूंगा तो दो और छह का प्रोडक्ट कितना होगा बारह और बारह कहाँ है सर बारह है ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर अगला सवाल ये आपका कब आया था हाँ ये वाला किसका है नहीं ये है आपका आईबीपीएस पियोमेंस साल 2021 का लिख देता हूं नीचे PO मेंस के क्वेश्चन इस तरह के दिखते हैं स्टार्ट करें उसने कहा इक्वेशन वन है इक्वेशन वन है ए स्क्वायर माइनस सेवन ए प्लस डीवल टू जीरो इक्वेशन दो है बी स्क्सोर बी लिख देता हूं उसने कहा रूट्स ऑफ द इक्वेशन वन इस इक्वेशन वन का जो रूट है वो है एक्स और वाई इसका एक रूट है एक्स और दूसरा रूट है वाई बड़ा ब्यूटीफुल सा सवाल है अगर आप इसको खूबसूरत तरीके से नहीं करो ना उलझ जाओगे मैं पानी पी रहा हूं तब तक आप इसको करो और जो दूसरा इक्वेशन है इक्वेशन टू इसके दो रूट्स है एक्स और वाई माइनस एक्स तो उसने कहा कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन टू को ये से तो रिजल्ट नंबर कितना होगा वगैरह तो आपको क्या करना पहले करो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई तो से पानी नहीं पिया हम्म आपको नहीं लगता है? आज बहुत कुछ सीख के जाओगे सीधे से होलस्कर आता है दिमाग में वही बेटर वही बेटर है भाई ये मेरे तो मतलब अलग अलग चोसले चलते रहते हैं तो आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से भी होल के हिसाब से जाना सही रहता है करें मेरे भाई <coughs> देखो अगर इसके दो रूट्स एक्स और वाई हैं और इसके दो रूट्स इतने हैं तो हमें कहां तक जाना था मैंने हर बार आपको कहा है सिर्फ एक काम करो इसके सम ऑफ एक रूट एक्स एक रूट वाई तो सम ऑफ रूट ना ये सम ऑफ कितना होता है सर माइनस बी बाई ए साथ के अलावा ये शर्मिंदगी वाली बात होगी माइनस दूंगा फिर एक माइनस साथ लिखूंगा बटे में ए स्क्वायर का ए लिखूंगा आपको तो लगेगा कि मैं अपने लिए कर रहा हूं बट मैं आपके लिए कर रहा था अगर मैं बात करूं तो एक्स प्लस मैंने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा मैंने कहा एक्स वाई सर इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है तो x और x कट के इसका सम ऑफ रूट है हाँ ना दोस्तों एक बार बताना इसका सम ऑफ रूट ही है और सम ऑफ रूट्स कितना है इसका पता है सर माइनस ऑफ माइनस फोर बाई वन ये टू इक्वेशन नंबर टू है तो ये हो जाएगा आपके पास फोर और अगर वाई टू फोर है तो मेरे दोस्त आपको इंतजार किस बात का है? मुझे नहीं पता x और y का साथ के साथ आपको अगर y 4 मिल गया, तो 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 x x को 3 होने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर x 3 है, है 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 इसके इसके दो दो कितने आ जाएंगे? सर, एक 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 और और इसका दूसरा हम मल्टी हाँ एक्चुअली रियल पेपर में ये जो क्वेश्चन था ये थ्री टू दी पावर जेड था आप मेरी बात को समझना रियल एग्जाम्पू मेहम से ना exam, वो थोड़ा ना थोड़ा तो खेल खेलेगा ना इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन टू इस इक्वेशन टू को अगर हम थ्री जेड थ्री टू दी पावर जेड के साथ मल्टीप्लाई करें और उसमें अगर हम एक जोड़ दें किसमें जो स्मॉलेस्ट रूट निकल के आएगा जो नया इक्वेशन बना है उसका तो रिजल्ट नंबर कितना इन शॉर्ट इक्वेशन टू में अगर मैं थ्री टू दी पावर जेड मल्टीप्लाई कर दू तो उसका जो स्मोलेस्ट रूट आएगा उसमें अगर मैं वन जोड़ दू तो फाइनल कितना आएगा अब मैं आपसे जो कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा इस इक्वेशन को बी स्क् माइनस फोर बी प्लस यहां पर आप इसको एक काम कर दो ना इसको सुधारी देते हैं थोड़ा सर सुधारी देते हैं मतलब ये फोर बी ए डी माइनस नाइन दोस्तों एक बात कहना मुझे हाँ सर कहो ये स्थान किसका होता है सर ये स्थान होता है अगर इसको d माइनस नाइन डी को भूल जाओ एक सेकंड के लिए मेरे लिए भूल जाओ क्योंकि इसके अगले सवाल में d वगैरह चाहिए होगा बट मैंने इसका सवाल रखा है अगर d -9 ना होके अगर इसने इधर m दिया होता या n दिया होता या k दिया होता तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें कोई एतराज है नहीं ना तो यहां पर एक नंबर बैठा है सपोज एम उस नंबर का काम क्या है सर उस नंबर को अगर मैं स्क्वायर के के साथ डिवाइड करूं तो आना चाहिए। कितना तीन एक एक तो आप में से कितने लोगों ने फील किया कि है सर हाँ, हम सबने फील किया। अगर तुम सबने फील किया तो ये जो इक्वेशन है वो बी स्क्वायर माइनस फोर बी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और इसके लिए आपको ये एक्स वाई का वैल्यू चाहिए था एम तक पहुंचने के लिए अगर आपसे कल कोई पूछे कि बेटा बता 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 डी का वैल्यू कितना है तो दर, ये भाई वो इक्वेशन था क्या पूरा हैंड रिटन इक्वेशन था तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि डी का वैल्यू कितना है तो एम को अगर मैं डी माइनस नाइन करूं तो डी माइनस नाइन तीन तो डी का मान बारह किसी ने निकाला था डी का मान बारह अगर निकाले जरूरत तो नहीं है वो सेकंड बिट क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में तीन चार तीन क्वेश्चन कम से कम देता है वो एक में उसने डी का वैल्यू पूछा होगा वो है बारह हटा दो सावन की घटा पहले मैं एक चीज कर रहा हूं कि ये इक्वेशन टू बन गया हाँ सर इस इक्वेशन टू में हम कितने का गुना करेंगे भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को इस इक्वेशन टू में हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू दी पावर जेड इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू दी पावर जेड और अब हम ढूंढने वाले हैं इसका स्मॉलेस्ट रूट अब अपन लोग ढूंढने वाले हैं इसका स्मॉलेस्ट रूट भाई मेरे आपको एक खूबसूरत चीज मैंने बताया हुआ था सर क्या मैं आधा अधूरा कोई चीज नहीं पढ़ाता एक्चुअली मैं जो भी आप रूट्स निकालते हो कि माइनस प्लस 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 के लिए प्लस प्लस आता है 56 के दो फैक्टर आते हैं जिनका सम पंद्रह आता है क्या वो इसी बेसिक से बना हुआ है दोस्त जल्दी से बताओ क्या वो इसी बेसिक से बना हुआ है दोस्त हाँ सर अगर इसी बेसिक से बना हुआ है तो अगर मैं इसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करता कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता तो थ्री टू दी पावर जेड तो अपना रहता ही रहता यहां पे ये b प्लस फोर और b प्लस थ्री आता जल्दी से मुझे बताओ यहां मैं क्या कर रहा हूं इसके रूट कितने आने चाहिए तीन तीन मतलब तीन एक b प्लस थ्री बी प्लस वन हाँ यहाँ जल्दी से बताओ b प्लस थ्री बी प्लस वन होने चाहिए कि नहीं अब इससे क्या होगा ना आपके पास ये तीन चीजें हैं इसका इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा इसी वजह से जब ये नहीं था तो मैंने कहा था कि बी प्लस थ्री अगर जीरो होगा तो बी का मान माइनस थ्री हो सकता है हाँ सर अगर मैं बात करूं कि बी प्लस जेड अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा उसने बी मल्टीप्लाई किया ना ओहो ये थ्री है और बी का दूसरा मान कितना है सर बी का दूसरा मान माइनस वन है सर अगर मैं बात करूं ये थ्री टू दी पावर z तो मैं आपसे बस सवाल के तौर पे एक ही चीज पूछना चाहता हूं क्या क्या थ्री टू दी पावर z कभी भी जीरो हो सकता है मुझे एक बार बताओ जल्दी से क्या टू दी पावर z कभी भी जीरो हो सकता है अगर थ्री टू दी पावर z अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मैंने गलत कर दिया है सॉरी आपके रूट पॉजिटिव में आ रहे थे ना आपके रूट पॉजिटिव में आने के लिए इन दोनों को माइनस होना पड़ता है हाँ या ना सच बताना सॉरी मैंने इन दोनों को पॉजिटिव रख लिया अब सही है अब सही है एक बार कंफर्म करो मैंने कमेंट देखा किसी का गलत हो रहा है सर हाँ। इशू सिंह का मैंने मैंने कमेंट देखा तो मैंने ये रियलाइज किया कि अगर इसके रूट तीन और एक आने हैं तो अंदर यहां पे माइनस थ्री और माइनस वन अब सही है एक बार कंफर्म करो तो ये वैल्यूज जो है वो तीन और एक ले सकते हैं अब लास्ट चीज क्या ये थ्री टू दी पावर जेड कभी भी जीरो बन सकता है नेवर चांस नहीं क्यों क्योंकि एक नंबर का तीन उसका पावर अगर आप जीरो भी कर दो ना तो भी वो वन का वैल्यू न्यूनतम ले लेगा और अगर आप उसका पावर नेगेटिव में ले लो तो वो अपॉन में जाके कोई ना कोई डेसिमल वैल्यू ले लेगा ले बट जीरो नहीं होगा तो या तो ये जीरो या तो ये जीरो के साथ बी का मान या तो तीन या तो बी का मान एक होगा और अगर बी के मान तीन और एक में से कोई है तो आपको चुनना है इसमें से स्मॉलेस्ट रूट और उसमें क्या करना है एड कर देना है एक और उसके बाद आपको रिजल्टेंट नंबर बताना है इसमें रूट कौन है? एक ही है, मतलब सिर्फ नाम बड़े दर्शन इसमें अगर आपने एक जोड़ देंगे, तो जो फाइनल जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी क्योंकि आधे बच्चे थ्री टू दी पावर जेड के डर जाएंगे लेकिन थ्री टू दी पावर जेड का कोई इसमें प्रभाव ही नहीं है अगर आप देखा जाए तो क्योंकि इसके रूट्स में आपके पास ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता इम्पॉसिबल ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता तो आंसर आपके पास छोटा रूट वन में जब जो, वन जोड़ा जाएगा तो ये दो हो जाएगा सर ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ exactly, उनके प्रॉपर्टीज में से एक ही है ओके okay, ये क्वेश्चन कोई कर पाएगा मैं बैठता हूं थोड़ा और बताओ कैसा लग रहा है सेशन एक बार कमेंट करना सीखने के लिए कुछ मिल रहा है सर प्लीज रिपीट द लास्ट पार्ट चलो प्लीज लास्ट पार्ट रिपीट कर देते हैं बहुत कुछ जबरदस्त चलो जितने लोगों को डाउट है उनको क्लियर करने के लिए अगर मैं थ्री जेड मल्टीप्लाई करता तो भाई जब मैं थ्री जेड मल्टीप्लाई करता और यहां पे मेरे पास सपोज बी माइनस वन और बी माइनस थ्री है तो इस पूरे टर्म को जीरो होने के लिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि देखो थ्री अप कांस्टेंट हो जाएगा z एक वेरिएबल है तो अब या तो b माइनस वन जीरो b को वन होना पड़ेगा ताकि वन माइनस वन होकर जीरो क्योंकि अगर z ही जीरो हो गया तो पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा मतलब इसका एक रूट जीरो भी आएगा और यहां पे अलग अलग रूट्स क्यों आ रहे हैं क्योंकि उसने अलग अलग वेरिएबल्स दिए हैं तो मैं क्या कर सकता हूं हमारे जो जनरल फॉर्म होते हैं उस जनरल फॉर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता है इवन बाइक्टिक भी हमने टच किया वो एक्स टू दी पॉवर फोर प्लस बी एक्स टू दी पॉवर थ्री प्लस सी एक्स टू दी पावर टू प्लस डी एक्स प्लस ईज इक्वल टू जीरो होता है सेम वेरिएबल के साथ बट उसने अगर गंदगी जानबूझ के फैलाया तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने मैंने क्वेश्चन में जो एक्चुअल रियल एग्जामिनेशन था वो थ्री पावर जेड पूछा था आप अगर चेक करना है चेक भी कर सकते हैं प्रीवियस पेपर से ये अगर आपने पूछा था तो ये टर्म को जीरो करने वाला जेड पैदा ही नहीं हुआ मामा जो बोलता है ना जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा उसी टाइप का कि थ्री टू दी पावर जेड इसको पूरे के पूरे टर्म को जीरो करने के लिए जेड का कोई मान एग्जिस्ट ही नहीं करता मामा तो मतलब ये सिंगुलर आपका या तो बी एक हो पाएगा या तो भी तीन हो पाएगा और इसमें से जो छोटा रूट निकल के आएगा वो एक है उसी में आपको रिजल्ट एक जोड़ना है और फाइनल रिजल्टेंट बताना है दो माइनस तीन माइनस का आंसर कर रहे हो दो कैंडिडेट अटेम्प्ट किए सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो कि फॉर्म में था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो देख रहे हो ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर पीओ एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड इन पीओ है ट्रेंड चेंज होने के साथ साथ सवाल मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल अपने साइड से करवाऊंगा मजा आ जाएगा आपको यह सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि अगर साल दो हजार तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस तक मेन्स एग्जामिनेशन हुए तो लेवल इस तरीके के हार्डली टच कर सकते हैं दो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया सॉल्व करने के लिए फॉर्म था एक्स स्क्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो मेरे भाई यहां तक बात साफ है एक ने गलत वैल्यू ऑफ पी ले लिया और उसने जो रूट्स निकाला वो टू और सिक्स है दोस्त मैं आपको जो कहूं आप बस ध्यान से सुनना एक कैंडिडेट पी ने गलत पी का गलत वैल्यू ले लिया था और अगर पी का गलत वैल्यू लेने के बाद भी उसको टू और सिक्स मिल रहे मतलब उसने क्यू से ही इस टू सिक्स का डिस्कवरी किया होगा और क्यू को हम कैसे फैक्टर्स निकालने में हद, मतलब इससे कैसे हेल्प लेते फैक्टराइज करके मतलब ये क्यों ही टू और सिक्स के प्रोडक्ट से बना होगा इसी वजह से उसने पी को गलत करने के बाद उसका जो क्यू है वो टू और सिक्स के फॉर्म में आया है और एक बार मैं इसको समझा रहा हूं क्योंकि मेरा जो language, जो लैंग्वेज है लाइन मैंने बोला वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था मैं और एक बार बता रहा हूं अगर आपको जिंदगी में एक्स स्क्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो मिले आप इसको गलती से आठ कंसिडर करो तो भी आप यहां पर छेदो रखोगे और अगर आपने इस सात को गलती से बारह कंसिडर किया तो आप यहां पर बारह एक को ही फैक्टर्स बनाओगे बारह नहीं मैंने गलत कर दिया पहले पूरा जर्नल वाला बताते हैं अगर आपका ये ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता अगर ये आपका ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो क्या आप 12 को तोड़ के ऐसे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करते जिनका सम 7 होता तो तुम क्या करते चार तीन हाँ या ना बट अगर तुमने गलती से p जो कि मिडिल में लाए कर रहा है उसको 7 ना कंसीडर करके अगर तुमने उसको 8x कंसीडर कर दिया है तो तुम इस 12 को कैसे तोड़ोगे क्योंकि इसको तो आपने 7 ही माना है ना इसको आप 6 2 तोड़ोगे हां या ना कि 6 2 तुम्हें जोड़ने पे 8 आ रहा है अगर उस 7 को गलती से आपने तेरा कंसीडर कर दिया है तो भी आप बारह एकम में तोड़ोगे जैसे कि एड होके तेरा आ जाए मतलब हर केस में जो आपको रूट मिले हैं वो प्रोडक्ट होने के बाद क्यू का मान एक ही सटीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा मतलब इतना डिटेल में शायद ही मैं आपको और कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि जो भी मैंने गलत वैल्यू पी के पुट किए बट क्यू को सही मान के जब तक मैंने अपने रूट्स निकाले हैं उनका प्रोडक्ट तो वही क्यू दे रहा होगा ना तो मतलब जो उसको रूट्स मिले हैं दो और छह उसके प्रोडक्ट से ही क्यू बना होगा मतलब क्यू का जो सटीक मान है वो बारह होने से कोई नहीं रोक सकता अगर क्यू का सटीक मान को बारह होने से कोई नहीं रोक सकता एक दूसरा स्टूडेंट जिसने गलत वैल्यू क्यू से स्टार्ट कर दिया जिसको रूट्स दो और माइनस नौ मिल गए दोस्त अगर किसी को दो और माइनस नौ रूट्स मिल गए हैं वो भी क्यू को गलत सोच के मतलब उसने पी को सही माना होगा जब उसने पी को सही माना होगा तो इन दोनों रूट को जोड़ने के बाद उसको पी मिला होगा इसीलिए वो सेटिस्फाइड है इन दोनों रूट को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितने आएगा सर इन दोनों रूट को अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस सात आएगा दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो हाँ सर अब मैं आपसे जो कह रहा हूं बड़े शांति से बड़े ध्यान से सुनिएगा सर क्या अगर मैंने गलती से q को गलत मान भी लिया बट मैंने पी का खासा ध्यान रखा है कि पी के जगह यही बैठा है तो मतलब मैंने दो नंबर लिए हैं जिनका डेफिनेटली जो सम है वो कितना आ रहा है के घर में आ रहा है क्योंकि दो और माइनस नौ का जो सम है गया वो कितना होता है सर ये हो जाएगा आपके पास माइनस सेवन लेकिन एक चीज मैं आपसे अभी कहना चाहता हूं मेरे ख्याल से अभी सठीक समय आ चुका है उस चीज को पढ़ाने का देखा मैं इंतजार कर रहा था कि कौन सा ऐसा सठीक समय है जो हमें उस कॉन्सेप्ट को सीखने पर मदद करे वो सटीक समय का सटीक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जब एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो दिया जा रहा है दोस्त ध्यान से सुनना। तो तुम x के मान को प्लस प्लस के लिए दो रूट माइनस माइनस कर देते हो और इसका चार और तीन देते हो आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि पिछले साल खासकर मैं पिछले साल की बात करूं पिछले दो साल की बात करो तो क्वाड्रेटिक में एक सवाल आपको रिपीटेडली पूछा जा रहा है क्या वो आपको रूट के थ्रू इक्वेशन तक पहुंचने के लिए कह रहा है बस एक बार हामी भर दो तब मुझे लगेगा कि कि मैं सही कह रहा हूं कि पिछले दो साल में ट्रेंड में एक सवाल आगे में दिखाऊंगा क्योंकि ये पढ़ाया नहीं था ना तो वो सिंक्रोनाइज मतलब क्रोनोलॉजी में है कि वो आपको रूट्स देके आपको इक्वेशन तक पहुंचने की तलाश करने की बात कर रहा है अरे कोई नहीं देखा नहीं। सर। तो वो हम कैसे करेंगे? एक बार मैं आपको बता देता हूं एक एक स्क्वायर लिखना एक माइनस लिखना और जो आपको रूट्स दिए हैं उस रूट्स का सम बना देना उसमें एक एक्स एक लगा देना और यहाँ पे प्लस रखना और जो आपको रूट दिए हैं उसका प्रोडक्ट लिख देना और उसको सर, 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 समझा नहीं एक माइनस माइनस चार और माइनस तीन दिए गए होंगे सम तो माइनस सात होता है मैंने कहा तो सर पूरा का पूरा माइनस लिख दू मैंने कहा सर एक एक्स लगाने के लिए बोला था मैंने कहा प्लस लिख दो ना सर मैंने कहा सर प्रोडक्ट इन दोनों का कितना होगा माइनस माइनस तो ऑब्जर्व हो जाएगा चार या बारह सर सिर्फ बारह डाल दू ना मैंने कहा सर अगर मैं इसको खोलूं तो माइनस माइनस ये प्लस होके एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू तो जीरो दे रहा है सर ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है अपने ओरिजिनल इक्वेशन के साथ मैंने बहुत सही अब तो समझा मैं क्या कह रहा हूं तुझे अब तू समझा मैं क्या कह रहा हूं मतलब मेरे दोस्त अगर कल तुझे किसी ने ये कहा कि ले एक रूट माइनस और दूसरा रूट प्लस एक रूट माइनस और दूसरा रूट प्लस पांच तो इससे जो इक्वेशन आया होगा वो इक्वेशन क्या हो सकता है वो बता तो तू उसको एक्स स्क्वायर बताना हाँ सर एक माइनस लिख के दे देना अब यहां पे इन दोनों का सम कितना होता है सर माइनस चार और पांच का सम जो होता है वो एक होता है सर और इसमें एक एक्स लगाना ठीक है सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है और प्लस यहाँ पे लगाना इन दोनों का प्रोडक्ट सर माइनस का प्रोडक्ट माइनस ट्वेंटी करके देख लो ना माइनस माइनस के दो रूट प्लस माइनस बीस के दो फैक्टर्स ऐसे जिनको माइनस करने पे एक आ जाए पहले बड़ा नंबर पांच फिर चार आ गया ना भाई वापस तो मतलब आपको मैंने ये चीज सिखा दिया है कि क्या कहां पे फिट करना है अब मैं जो कह रहा हूं पर ध्यान से सुनिएगा प्लीज भाई मुझे उसने दो रूट क्या क्या दिए सर उसने मुझे दो रूट दिए प्लस टू तो और माइनस नाइन अगर उसने प्लस टू तो और माइनस नाइन रूट निकाले हैं तो जो इक्वेशन से वो निकला होगा वो डेफिनेटली एक्स स्क्वे माइनस जो इनका सम ऑफ रूट्स है x प्लस जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है नहीं क्यों क्योंकि इसमें तो क्यों गलत लिया है उसने मैं उस q के पास क्यों जाऊंगा इक्वल्स टू तो 0 और जब इसको मैं माइनस माइनस खोलूंगा तो उसको अपना इक्वेशन में ये ऐसा दिखा होगा अब मेरे भाई उसको जब उसने दो एक स्टूडेंट जिसने q को गलत लिया है उसके लिए यहां पे +7x सही है एक दूसरा स्टूडेंट जिसने p को गलत लिया है कहा गया भाई पी वाला कहा गया? गया गया क्या? हाँ। जिसने पी को गलत लिया है उसको यहाँ पे प्लस बारह मिल रहा होगा मतलब दोस्त आपको पता है सर क्या वो जो ओरिजिनल इक्वेशन होगा वो कैसा सर एक्स तो दोनों को मिला जिसने पी को सटीक माना है उसको ये वाला चीज सेवन एक्स मिला है जिसने क्यू को सटीक माना है उसको ये चीज प्लस बारह मिला है और इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा ना सर क्या हुआ होगा मैंने कहा क्या प्लस प्लस के दो roots, minus, minus, के दो रूट्स माइनस माइनस बहुत पहले जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया था बट एक्सप्लेनेशन नीड्स एनर्जी एफर्ट्सिंग है ना क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहा हूं ठीक है हाँ. भी बताया नहीं हूं बट स्टिल वो चीज है कि आपका ये इक्वेशन a यहां नहीं आ सकता, सकताली वन क्लियर तो क्या ये चीज क्लियर है क्या इस चीज को थोड़ा सा हल्का सा मैं रिपीट मार दू भाई मेरे? मुझे लग रहा है थोड़ा इसको रिपीट मारने की रिप... कहा गया वो चीज आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट मार दू मेरे भाई उसने कहा कि एक इक्वेशन है जो कि किस फॉर्म में है एक्सस्कर प्लस पीएक्स प्लस क्यू के फॉर्म में फॉर्म में इसको गलत माना था उसको जो दो रूट मिले हैं सर उसको दो जो मिले हैं वो दो और छ है मतलब सर उसने इसी को तोड़ के दो छे लिया है मतलब उसके लिए तो क्यू बारह है मैंने कहा उसके लिए क्यू बारह है स्टेप वन क्लियर एक दूसरा स्टूडेंट आया जिसने यहां से क्यू को गलत लिया लेकिन उसके जो दो hmm. रूट्स आए वो दो रूट्स कितने आए दो और माइनस नाइन उसके जो दो रूट्स आए वो दो और माइनस नाइन आए सर दो और माइनस नाइन रूट आने के लिए उसका पी का मान कितना होना पड़ेगा मैंने कहा माइनस नाइन और दो को मिलाने से माइनस सात लेकिन एक्स स्क्वायर जब इस रूट्स के सामने रहता है तो उससे पहले एक डिफॉल्ट माइनस सेवन मतलब माइनस रहता है और फिर यह रूट्स आता है एक्स प्लस क्यू तो उसके हिसाब से यहां पे माइनस माइनस ये सेवन एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में होगा एक ने कंफर्मेशन दिया कि क्यू के जगह प्लस बारह बैठा है एक ने कंफर्म दिया कि पी के जगह प्लस सेवन एक्स बैठा है तो दोनों के मिलाने के बाद मुझे जो इक्वेशन मिला वो ये मिला और जिस इक्वेशन के दो रूट होंगे माइनस चार माइनस तीन अब मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगा जल्दी से बताओ सर ये प्रीवियस ईयर नहीं है ये मैंने प्रीवियस ईयर बताया ये एक्सपेक्टेड टू बी इन पीओ मेन साल दो हजार तेईस नहीं ये जब आएगा ये आपका अगर आएगा तो 25-26 की और आएगा साल 2025-26 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं ये उस लेवल का है ठीक है इज इट माइनस नॉट फॉर द बताऊंगा उसका भी प्रूफ बता दूंगा अभी के लिए वो आया नहीं था वो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हुआ इसीलिए मैंने बता दिया अभी के लिए उसको थोड़ा एक्सेप्ट करके चल जाओ और इस क्वेश्चन को देखो कौन बना सकता है इस क्वेश्चन को यह भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई मैं हट गया तो ब्लर हो गया पढ़ो एक बार क्वेश्चन को एक नंबर सर जी अरे अभी स्टार्ट है बोर तो नहीं हुए सर पीओ प्रीलिम्स मॉक में 2022 आ रहा है क्या करें एरिथमेटिक का बेस चलो मैं बताता हूँ लास्ट में बताता हूँ दोस्त ठीक है अभी के लिए तो थोड़ा हम इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं भाई हम एक अलग टॉपिक में हैं अभी ठीक है क्वेश्चन कह रहा है कि लेट पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ पानी एक पानी पीना बनता ही है मैं चला जा रहा हूं तो ये ब्लर क्यों हो जा रहा है आज अच्छा। एक आध बार होता है ये बिल्कुल भी बीच में ये बैच पिनाकल में इंक्लूड नहीं है पिनाकल वाले देख रहे हो तो ये बैच पिनेकल वालों का ही है झड़ हो गया क्या ए भाई इसीलिए कोई मुझे बोल रहा था क्या फास्ट बता रहे हो और मैंने उसको बोल दिया चढ़ गया मैं उसके ऊपर भाई ये तो अब बहुत कलेश हो रहा है मैंने इसको जेनेसिस में ऐड कर दिया क्या ये सर पिनाकल पिनाकल में है ना ये सब पिनाकल हाँ भाई मैं डर गया ऐसे कैसे डरा रहे हो यार <laughs> भाई पिनाकल का है पिनाकल में ही है ना हाँ भाई मैं डर गया सही में गया गई बेस पानी में <laughs> <सी> वालों को <laughs> कोई किसी का इधर से गया होगा तो किसी का इधर किसी के तो आंखों में ही घुस गया होगा ठीक है भाई अलग लेवल का जेनेसिस वालों तुम तो पानी ही पियो अभी के लिए ठीक है इसीलिए मैंने अपना स्पीड को हाई रखा है पिनेकल वालों के लिए है ये पर्टिकुलर खासकर मेंस एग्जामिनेशन को जितने लोग टारगेट कर रहे हैं मैंने मेंस भी लिखा हुआ है चलो स्टार्ट करें चलो लेट पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क् माइनस टू एक्स प्लस ए एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर 2x a ये अगर आपका आएगा तो साल टू थाउजेंड ट्वेंटी के आसपास आएगा ये पेपर में अगर आएगा. साल में आएगा, ये अगर आएगा 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 साल में क्वाड्रेटिक ये क्वेश्चन तो लेट एंड आर द द ऑफ रूटेशन एक्स स्क्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरोक्वल टू जीरो

अगर P, Q, R, S आपके चार टर्म्स इवन मतलब एपी में होते हैं तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब आपके एपी में होते हैं तो आप टर्म्स को क्या कंसिडर करते हो बताए एक अज्यूम कर दो जो कि इनके बीच में है उससे डी कम में ये ए माइनस डी है और उससे डी ज्यादा में ये ए प्लस डी है क्योंकि चार एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एरिटिक मीन है एवरेज वो एक्जैक्टली बीच में रहता है इसमें से एक डी मैंने माइनस किया तो ये वाला टर्म आया और एक डी मैंने प्लस किया तो ये वाला टर्म आया तो पूरे के पूरे इंटायर Q और R के बीच का जो गैप है वो D और D टोटल 2D का बन गया मतलब अगर मैं Q से P की ओर जाना चाहता हूं तो और 2D माइनस करना होगा A माइनस डी से और 2D माइनस करूंगा तो ये A माइनस थ्री डी हो जाएगा और यहां से अगर मैं और ये 2D का गैप अगर मेंटेन करूं प्रोग्रेशन का और 2D ऐड कर दूं तो इस वाले टर्म को ए प्लस थ्री डी होना होगा अगर किसी ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है आगे ये श्रृंखला ए माइनस फाइव डी

यहां से पी क्यू के बारे में तुमने क्या जानकारी इकट्ठा किया सर एक जानकारी अगर पी क्यू दो रूट्स है तो पी और क्यू का जो सम है ना मैंने कहा वो माइनस बी बाई ए के चक्कर में दो बन जाएगा और जो आपका आर और एस का सम है दो रूट होने के कारण वो माइनस अट्ठारह माइनस ऑफ माइनस अट्ठारह बटे ए वो अट्ठारह बन जाएगा पी क्यू दो पी क्यू दो इन दोनों का सम कितना होगा दो और इन दोनों का सम कितना होगा सर आर एस का जो सम है वो है एटीन क्या अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इक्वेशन खूबसूरत सा मिला सर इन दोनों का सम करूंगा तो A A, 2A, minus 3D, minus D, minus 4D, ये अगर हमारे पास इतना है तो ए प्लस ए टू ए डी प्लस थ्री डी यानी कि फोर डी ये हमारे पास एटीन है अगर इन दोनों को स्ट्रेट ऐड करोगे तो टू ए प्लस टू ए फोर ए बराबर टू प्लस एटीन ट्वेंटी बन जाएगा यह दिया था ना आपको और वहां से लेना था तो ए का मान आपके पास कितना आ गया पांच और ए अगर पांच है तो दो पंजे दस दस में से दो गया तो आठ फोर डी अगर आठ तो डी का मान आपके पास फोर डी आठ तो डी का मान आपके पास हो जाएगा दो आपने निकाला सर. अगर आपने इन दोनों को निकाल लिया तो आपके पास अभी सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे जैसे कि ए माइनस थ्री डी कितना होगा सर ये वाला टर्म पांच माइनस तीन दुनी यानी कि ये वाला माइनस वन है ए माइनस डी पांच माइनस दो ये वाला तीन है ए प्लस डी पांच प्लस दो ये आपके पास सात है ये आपका पांच प्लस छह यह आपके पास ग्यारह है तो ये आपने पी क्यू आर एस को बढ़ते क्रम में माइनस एक तीन यह आपके पास सात और ग्यारह आपके पी क्यू आर एस के मान है अब पी क्यू आर एस के मान आपको अगर मिल गए तो उसने मुझे क्या पूछा था एक का मान दोस्त मुझे बता ये बीच का छोड़ हटा सावन की घटा ये एक है ना तो भाई इक्वेशन में एक्स स्क्वायर में माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स रहता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहता है कि नहीं मतलब ए इज नथिंग अदर देन मैंने एक बार बीच में कहा था कि अभी तक पढ़ा है नहीं तो इस दुनिया में अलग से वे में हम जा रहे हैं जब वो पढ़ लेंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे कि ए अगर इन दोनों पी और क्यू का प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो पी क्यू के एक सॉरी भाई कहा गया पी क्यू के माइनस एक और तीन होने के कारण इन दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा ए वो माइनस हो जाएगा मेरे भाई हाँ या ना और साथ ही साथ जब मैं आर और एस बी की मैं जब बात कर रहा हूं तो ये है क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो है तो आर और एस के आर और एस के सेवन और इलेवन होने के कारण इनका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा वो 77 हो जाएगा तो माइनस थ्री सेवनटी सेवन अगर कहीं है तो वही हमारा सही उत्तर है अगर वो नहीं है तो नन ऑफ दीज इस सवाल का सही उत्तर है क्या आप लोगों ने निकाल लिया था पी माइनस वन क्यू तीन वगैरह 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 ठीक है सी कैसे बोल रहे हो माइनस तीन इलेवन उन्हीं को देख के खुश हो जा रहे हो क्या इसी में दो तीन चीजें देख के खुश हो जा रहे हो सर मैंने देखा तीन है ग्यारह है वही होगा तो वो नहीं है मेरे भाई ठीक मतलब है माइनस तीन सेवन सेवन वो ऑप्शन में नहीं है चले आगे मेरे भाई हो मेरी भाई अगर आपने ये पढ़ लिया है व्हाट विल बी द

अल्फा प्लस बीटा वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर फोर बाई फोर फोर बाई फोर यानी कि वन ये है उनका सम ऑफ रूट्स सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दोगे वन बाई फोर और थ्री बाई फोर का मैंने कहा थ्री बाई है आपके पास कितना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सर ये सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद मैंने कहा इक्वेशन कैसे बनता है मैंने कहा एक्स स्क्वायर लिखना होता है माइनस जो सम है सर सम तो वन है मैंने कहा सर उसमें एक्स फिर ये प्लस लगा के प्रोडक्ट जो है थ्री बाई कर दो तो, मैंने कहा सर आपने तो ऑप्शन नहीं रखा क्या मुझे ये वाला डिक्टो ऑप्शन मिलेगा मैंने कहा नहीं सर क्यों तुम्हें डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा खूबसूरत तरीके से डिनोमिनेटर को हटाने के लिए अगर मैंने सिक्सटीन का मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड किया तो सिक्सटीन एक्स बन गया माइनस एक्स बन गया और इसमें से सिक्सटीन जाने के बाद इज इक्वल टू जीरो अगर आपने से किसी का आंसर आया है जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी थ्री बाई को अप्रिशिएट कर रहा हूँ थ्री बाई सिक्सटीन अपनी जगह है बट जो आपको आंसर जैसे कि आपको डिनोमिनेटर में रूट थ्री नहीं मिलता आपको पता है ना रेशनलाइज करना पड़ता है

ठीक है आप समझ गए मेरे पॉइंट को ये ऐसा जगह है जहां मैं आपको एक्चुअली में फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सिखाता बट वो हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है तो मैं अब बढ़ता हूं इसका ये सवाल जो आपको पेपर में पूछा गया था ठीक है अरे भाई ये तो फोकस पूरा का पूरा जा रहा है ये तो फोकस पूरा का पूरा जा रहा है देखो टू

इक्वेशन बनाना है रिड्यूस टू लोएस्ट पॉसिबल फैक्टर सबसे छोटे पॉसिबल फैक्टर जितने हो सकते हैं उन तक पहुंच जाना यूजिंग रूट इक्वेशन वन एंड टू अज पर इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन क्या है वट द न्यू इक्वेशन इफ रूट ऑफ रूट आर हाइएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन वन एंड लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन टू चिंता नको सॉल्व दिस एंड सॉल्व दिस ओके सर

तो वो भाई उसका मतलब ये समझे ना ऐसा कोई बैलेंस नहीं है कि आप बोल रहे हो कि ये आएगा प्री में ये आएगा मेंस में जो वो कभी प्री इसमें खाली इक्वेशन बनाने के लिए दिया उसमें खाली सॉल्व करके कंपेयर करने के लिए दिया था जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिखे तो आपको गंदगी कहां पे महसूस हुई सर गंदगी पूरा ही गंदगी महसूस हुआ नीचे ये सब हटा देना मैंने कहा कैसे हटाएंगे सर नीचे अगर मैं एक्स को और एक्स स्क्वायर को हटाना चाहता हूं तो एक्स और एक्स स्क्वायर का एलसीएम मैंने कहा कितना है सर स्क्वायर स्क्वायर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा सर टू एक्स स्क्न जाएगा एक एक्स एक एक्स के साथ कटने के बाद ये ग्यारह एक्स बन, बन जाएगा माइनस प्लस के दो रूट्स कितने हो जाएंगे प्लस प्लस अब अट्ठारह के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर ग्यारह हो वो कौन है सर वो आठ और तीन और दो कोफिशन मत भूलिएगा इतना क्या ये पहला इक्वेशन आपका सॉल्व हो चुका है मेरे भाई हाँ सर दूसरे इक्वेशन के पास गए सबसे पहले तो आप सभी ने चार दो आठ एक नौ बटा चार कर लिया होगा लेकिन सेकंड स्टेप में आपने जब होल स्क्वायर देखा होगा तो होल स्क्वायर को हटाने के जल्दी में आपने नाइन बाई फोर का अंडर रूट थ्री बाई टू दिया होगा बट मेरे दोस्त उसने खुद ही इस इक्वेशन में स्क्वायर लगा के दिया था मतलब वो खुद ही इसको क्वाड्रेटिक करके इसके दो रूट आपसे मांग रहा है सर दो रूट में कैसे लाओ वाई माइनस टू प्लस थ्री बाई टू भी हो सकता है और वाई माइनस टू होल स्क्वायर हटने के बाद माइनस थ्री बाई टू भी हो सकता है अगर मैं पहले से जाऊं तो y का मान कितना होगा थ्री बाई टू में टू एड हो जाएगा तो दो दुनी चार प्लस तीन सात बटा दो हो जाएगा मेरे भाई और यहां से y का मान कितना होगा ये दो जब इधर जाएगा तो दो दुनी चार चार में से तीन गया वन बाई टू क्या यही है मेरे दोस्त अगर यही है मेरे दोस्त तो मुझे एक बात बोल ब्लू कलर आपको हाइएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन वन चाहिए यही है जिसको हम चार के नाम से जानते हैं लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन टू यही है हाफ हा सर अब चार और हाथ से बना एक इक्वेशन मुझे दे सर मैं देता हूं ना मैंने कहा कैसे सर अगर एक इक्वेशन के रूट है एक हाफ हाफ है हाँ मतलब अभी के लिए करें संभाल पाओगे या नहीं ठीक है सर एक्स स्क्वायर लिख लो मैंने कहा सर माइनस डाल दो मैंने कहा सर सम ऑफ रूट चार और आधा साढ़े चार होता है साढ़े चार को आप फोर पॉइंट फाइव लिखो या फोर होल वन बाई टू लिखो मुझे उससे कोई मतलब नहीं मैंने फोर पॉइंट फाइव सम ऑफ रूट लिख दिया एक्स और यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चार और आधा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बन जाएगा सर चार और आधा जब मल्टीप्लाई होंगे तो दो बन जाएगा इज इक्वल टू जीरो मैंने कहा कुछ करे सर इस इक्वेशन का डबल कर देते हैं मैंने कहा डबल किया तो ये कितना हुआ टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स आप में से अगर किसी का ये इक्वेशन आया है तो हेट्स रॉन्ग भाई क्या हो गया रॉन्ग थ्री बाई टू जब होगा फोर तीन सात बटा प्लस दो जब होगा दो, दो चार चार में से तीन गया एक बटा तो सही कौन सा है सर चार नहीं साढ़े चार पहले वाले का ओहो, ये ये इक्वेशन वाला गलत कर दिया मैंने छी 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 थू थो 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 ये आपके पास नौ दुनी अठारह है ना तो 18 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 11 वो कौन है वो नौ दो है सॉरी 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 माइनस प्लस के दो रूट्स कितने होंगे प्लस प्लस बाई टो, बाई टो। इसका एक और चार। अब सही है मेरे दोस्त जल्दी बताओ मुझे लगा ये वाला कॉम्प्लेक्स था ये वाला गलती कर दिया होगा बट आसान वाले चीजों में ज्यादा गलतियां होती है मेरे भाई सर अब अग भी अगर अपन को एक इक्वेशन चाहिए जिसका एक रूट इसका लार्जर वाला साढ़े और इसका एक आधा छोटा वाला चाहिए तो सर करूंगा क्या मैंने कहा अब तो इसको 9 2 ही लिख दे मेरे भाई। अब और, इसके पीछे रिस्क और उसको हाफ रख दे सर मैंने कहा कि फाइव और लगा लिया मैंने एक्स और यहाँ पे प्लस सर इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने कहा नाइन बाई टू और वन बाई टू का प्रोडक्ट नाइन बाई फोर होता है और इक्वल्स टू जीरो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया सारे में चार का तो भाई अब गलत होगा तो मैं इसको और रिपीट नहीं करूंगा आप लोग सुधार देना चार का मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस ट्वेंटी का यही तो बैठ जाता हूँ हाँ। दोस्तों अपलोडेड है अरे छी, आपको वो वीडियोस लाइव रिकॉर्डिंग का जो कॉलम है ना वहां मिल जाएगा मैं उसको मैन्युअली आपके रिकॉर्डेड फोल्डर में डालता हूं अगर मैं फोल्डर में डालना भूल जाऊं ना दोस्त तो, तो आप वहां से देख लीजिएगा वहां से मतलब उसके साइड में जो, जो लाइव सेशन कॉलम है एक कंटेंट वाला सेशन है जहां पे फोल्डर्स बनाए हुआ है और एक आपका साइड वाला कॉलम है जहां पे आपका लाइव लेक्चर ऑटोमेटिकली जब प्रोसेस हो जाता है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाता है लाइव क्लास रिकॉर्डिंग जिसको आप कहते हो मैं मैनुअली वो जब हो जाता है तो उसको फोल्डर में डाल देता हूँ आपके सहूलियत के लिए आज जैसे कि क्लासेस के बाद में कंटेंट पे बिजी रह गया तो में वो वहां पर नहीं डाल पाया तो उसके आप राइट साइड में देख लीजिएगा वो अभी भी अवेलेबल है चेक कर सकते हो उसको मैं फोल्डर में डलवाना बस भूल गया ठीक है यस yes, बट नहीं होगा Z. हाँ, हाँ, ये ब्यूटीफुल 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 लव यू सर क्या आपको जो नया इक्वेशन बनाना है उसमें वेरिएबल जेड बनाना है जो नया इक्वेशन बनाना है उसमें वेरिएबल मेरे दोस्त कितना लेना है जेड सब कुछ सही है बस जेड 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 आगे बढ़े हम्म 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 नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड बहुत कर रहे हो अब आंसर के दो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तो गेम बचाना पड़ेगा चलो हम्म लव यू टू सर चलो स्टार्ट करें सबसे पहले तो अपना टैलेंट मुझे बिल्कुल भी मत दिखाना ठीक है सबसे पहले तो अपना टैलेंट मुझे बिल्कुल भी मत दिखाना सर वही तो दिखाना चाहता हूं मैंने कहा क्या अगर अल्फा और बीटा रूट्स है इक्वेशन इसका तो मुझे वैल्यू बताओ वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा का तो अगर आप ये सोच रहे हो कि किस स्क्वाइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो प्लस माइनस होगा चार के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करने पे एक आ जाए सर में ढूंढता ही रह गया हाई ना सर में ढूंढता ही रह गया मतलब दिस इज एग्जाम्पल कि देर आर लॉट ऑफ इक्वेशंस जो आपके ऐसे सॉल्व नहीं होते व्हाई

स्क्वायर माइनस फोर है लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता इसीलिए मैंने कहा तो, मैं करूं तो, करूं तो, तो देना सर कैसे दू अल्फा बीटा निकल ही नहीं रहे मैंने कहा अल्फा बीटा की रिक्वायरमेंट नहीं सर तो अगर तू इसको सिंप्लीफाई करेगा क्या ये अल्फा बीटा एलसीएम जाने के बाद यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा हाँ सर क्या आपको एक बात पता है भले ही आपके पास अल्फा और बीटा इंडिविजुअली ना हो क्या सच में आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान है सर ये तो लेटेस्ट न्यूज है क्योंकि सम ऑफ रूट्स तो चाहे वो रियल हो इमेजिनरी हो इरेशनल हो जाओ वो तो माइनस बी बाई ए के साथ माइनस ऑफ माइनस वन बाई वन के साथ वो तो वन होने से कोई नहीं रोक सकता सर मैंने कहा बहुत सही और तुम्हारे पास अल्फा बीटा का भी मान है सर वो कैसे अल्फा बीटा सी वाई ए होता है और सी यहाँ पे नेगेटिव बैठा है तो सीवाई यहाँ पे माइनस चार हो जाएगा तो अगर सर मैं ये डाल दू तो ये अल्फा प्लस बीटा वन है अल्फा बीटा माइनस फोर है माइनस का यहां पे अल्फा बीटा माइनस फोर सर डरने के लिए तो काफी था ये क्वेश्चन डराने के लिए लेकिन मैं डरा नहीं माइनस माइनस ये हो गया सर फोर चार चौके सोलह में से एक जाएगा पंद्रह बटा चार बच के ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा किसने आंसर दिया था लास्ट वाले क्वेश्चन में एक्स का स्मोलेस्ट रूट

समा फ्रूट्स और फ्रूट्स। दिमाग में पॉइंट घुसा अगर घुसा तो ये सवाल का उत्तर मुझे जल्दी दे दे मेरे भाई हम्म 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 मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप भी अपना करो मैं भी अपना करता हूँ नहीं तो लेट हो जाएगा दोस्त वैसे भी दो घंटे का क्लास चल चुका है इफ अल्फा एंड बीटा आर द ऑफ सर 2x 3x 2 zero, एक छोटा सा ग्रीड तो मेरा रह रहा है कि अगर इसके रूट बीटा है तो चार के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे तीन अब चार के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे तीन ऐसा नहीं है अगर आपने चार एक अल्फा बीटा को ले लिया तो आप तबाह कर चुके हो सब कुछ क्यों क्योंकि Symbol, अगर आपका प्लस है, तो दोनों रूट्स को ऐड करने पे मुझे एक बात बताओ ना हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो बस इतनी सी बात है ना मैंने कहा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो जो इक्वेशन है सर क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं स्क्वायर एक फॉलोड बाई माइनस फिर दोनों रूट्स का जो मैंने लिया है उसका स्क्वायर का मतलब उसका सम फिर उसको क्लोज कर दूंगा x के साथ फिर मैंने उन दोनों का प्रोडक्ट रख लिया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और फिर इसको मैंने जीरो कर दिया हाँ सर तो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा सर पता है मैंने कहा कैसे सिंपलीफाई करके मैंने कहा हाउ सर x स्क्वायर x स्क्वायर आपको पता है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इट्स अ वेरी टैलेंटेड क्वेश्चन वाई इस इक्वेशन में अगर मैं अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछूं तो मेरे भाई तू मुझे क्या उत्तर देगा सर माइनस बी बाई ए करते करते माइनस माइनस कट गया थ्री बाई टू मेरे कहा बहुत अच्छा उत्तर है और मेरे भाई अल्फा बीटा का कुछ हो सकता है सर अल्फा बीटा का भी हो सकता है मैंने कहा कैसे सर अल्फा बीटा सी बाई ए होता है तो टू बाई टू सर ये वन होता है सर अल्फा बीटा तो मिल गया तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी यू मिल जाएगा क्योंकि वही अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है हाँ या ना मेरे भाई अब सर अगर आप मेहरबानी करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिला देते मजा ही आ जाता मैंने कहा देता है ना सर कैसे दोस्त अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेगा तो तुझे क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा मिलेगा हाँ या ना

और इसके साथ क्या अब मुझे जो जो चीजें चाहिए कि एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वन बाई फोर एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर सर अल्फा बीटा ही वन है तो उसका होल स्क्वायर भी वन होगा इज इक्वल टू जीरो सर आपने कहा था कि कोई ऐसा गंदा मत रखिएगा चार से गुणा कर दिया गंदगी को हटाने के लिए और इक्वेशन बन गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो किसी का आया था बहुत सही अब आप समझ रहे हो ना कि खेल कितना कॉन्सेप्चुअल है मेरे भाई आपको मैंने कितने स्टेज बाई स्टेज सब कुछ बताया कि अब आप समझ पा रहे हो कि भाई ऐसा सवाल है तो ऐसा ही करना है इक्वेशन रूट्स नहीं निकलेगा मुझे उनको लेके ही अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा के हेल्प से ही पहुंचना है तो जब आपका अप्रोच क्लियर रहेगा ना तब ये सवाल बड़े खूबसूरत तरीके से बनेंगे नहीं तो अनलिमिटेड होकर आप बस बैठे रहोगे सारे कॉन्सेप्ट के साथ तो अप्रोच बहुत मैटर करता है क्या यहां तक क्लियर है भाई मैं आगे बढ़ू सवाल एक आपके सामने और मजा आ रहा है सही में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे क्या ये क्वेश्चन में आपको होमवर्क पे दे अब तो आपको आइडिया लग गया कि क्या करना है अब ये क्वेश्चन में आपको होमवर्क पे दूंगा इसको जब आप खुद करोगे ना और खुद कर लोगे तो आपको लगेगा कि भाई बंदा सिखा के गया है ठीक है ये आपका सेम चीज है ठीक है चलो नहीं सर थोड़ा डाउट है क्या डाउट हो गया बताओ

यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम फॉलोड बाई एक्स प्लस उन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू जीरो अब मुझे अल्फा और बीटा इंडिविजुअली नहीं चाहिए अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लू तो भी काम बन जाएगा और अल्फा बीटा का भी वैल्यू निकाल लू तो भी हो जाए क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज नथिंग अदर देन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ठीक है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दोस्त ध्यान से सुनो यहां पर ठीक है अगर मैं इस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कहूं तो अल्फा बीटा तो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास है तो हम क्या करेंगे

और जब मैंने इसको सीधा सब्सिट्यूट किया यहां तो ये इक्वेशन कैसा बन गया सर ये चार को करने के लिए मैंने इक्वेशन इक्वेशन में चार का गुणा किया और बन गया आपके सामने ठीक ठीक है है कि स्पीड सारे माइनस फोर एक्स प्लस वन नहीं वन नहीं इसमें एक में चार नहीं मल्टीप्लाई होगा क्या मेरे भाई और ये तो एक ही है एक का स्क्वायर तो एक है कॉन्स्टेंट में तो कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता असंभव ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिया घर पे ट्राई कीजिएगा सर घर पे ही है इसीलिए अभी कर लिए ये ऑनलाइन का बड़ा खूबसूरत सा चीज है होमवर्क करके लाओ सर अब भी करके देता मैंने कहा क्यों सर घर पे ही तो हूं आप यकीन नहीं करोगे बट दिस क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर बहुत सही हो 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 पानी पी लो तब तक आप करते रहो बड़ा क्वेश्चन है मैं जाऊंगा तो, तो भी ब्लर नहीं होगा आई होप आई गेस हा हा हम्म हम्म सर आई बॉट दिस बैच राइट नाउ अरे एंजॉय करेंगे आप इस बैच में बढ़िया हम्म वर्क फ्रॉम होम चलो देखो दोस्त <coughs> आपने इन्वेस्ट किया है क्या मैं अपने तरफ से अपना फुल देखो मैं पैसा ले आऊं तो पढ़ाऊंगा ऑब्वियस बात है सिंपल बात है आप मुझे बोल भी सकते हो अरे पैसा लिया पढ़ाओ बट जो एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ वो आपको सच में दिख रहा है कि मैं एक बार पूछ लेता हूं मतलब ये क्लास अभी से दो घंटे तक चल रहा है मैं दो घंटे से खड़े होकर पढ़ा रहा हूं एनर्जी में इतू सा कमी आपको महसूस हुआ है बता दो एक बार जल्दी से मतलब ऐसा तो नहीं कि मैंने आपसे पैसा लिया तो मेरा काम ही है कि पूरा ऐसे करके सब कुछ पढ़ाना मैं अगर चाहता तो डेढ़ घंटे का क्लास करके भी बैठ सकता था आराम से आप समझ पा रहे हो ना बट मैं ये चाहता हूं कि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आपको कोई एक भी सेकंड में ये महसूस ना हो कि कोई कंटेंट में कमी हो रही है या कोई एफर्ट्स में कमी हो रही है या कोई अप्रोच में कमी हो रही है या फिर कोई टेक्निक में कमी हो रही है ठीक है तो मैं आपके साथ सदैव हूं आप उस चीज को बिल्कुल सोचिए मत मैं अपना काम बढ़िया से करूंगा आप बस अपना काम बढ़िया से करते रहो ठीक है आप तो हम लोगों से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो चलो गजब हुआ चल स्टार्ट करें पता नहीं पढ़ाते वक्त इतना बड़ा शरीर को लेके मैं तीन घंटा चल जाता हूं लेकिन मुझे याद है आज भी स्कूल में तो मैं पथरा हुआ करता था तब पांच मिनट खड़ा कर देते थ्री आर टू रूट ऑफ इक्वेशन पी स्क्र माइनस एपी प्लस बी पी स्क्र माइनस एपी प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इसके जो दो रूट है वो कौन कौन है सर इसके जो दो रूट एक है एम, एक है एक थ्री मेरे भाई उसने कहा स्क्वायर हाँ। और, एम और वन जो है वो रूट किसके पी स्क् माइनस ए माइनस टू पी प्लस बी माइनस फोर इक्वल टू जीरो इसके दो रूट जो है वो एम और वन है इसके दो रूट जो है वो एम और वन है यहां तक क्लियर है उसने मुझे स्ट्रेट पूछा टू एम प्लस टू का वैल्यू बता मतलब इसमें से निकल जा रहा होगा सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मैंने कहा बोल भाई सर इसमें से अगर मैं आपको सम ऑफ रूट पूछू तो आप मुझे क्या कहोगे मैंने कहा सम ऑफ रूट एम प्लस थ्री सर मजाक नहीं ये तो मुझे पता है दो रूट्स इतने तो सम इतना आएगा इक्वेशन वाइज बताओ ना माइनस ऑफ बी बाई ए इसके पास मत चले जाना जो बी होता है वो एक्चुअली यहां पे होता है अब उसने जगह में यहां पे ओ ये पी है पहले तो मैंने ये गलत लिखा है तो मैं तो भी डर गया था अचानक से तो ये जो आपका B by A होता है वो बी एक्चुअली क्या होता है जो सिंगल पावर है उसका कोविशेंट होता है सिंगल वेरिएट होता है तो अगर ये पी का कोविशेंट ही ए है तो ये बी बाई ए मतलब ये A by 1, तो इसको खाली ए ही लिख सकते हैं पहला लाइन क्लियर है इतने मेहनत वही कर रहे हैं सर यहां पे बताओ ना समूट कितना होगा मैंने कहा एम प्लस वन सर वही कितना होगा मैंने कहा माइनस ऑफ माइनस जब मैं करूंगा तो माइनस हट जाएगा और ये a 2 by 1 a सर मैंने एक चीज देखा सर मैंने कहा क्या सर अगर सच में किसको डाल दें a का जगह m 3 डाल दें मैंने कहा हाँ अगर a के जगह m 3 डाल दें तो सर m 3 म... ये तो बैलेंस हो गया भाई ये तो मजाक कर रहा है क्या प्रैंक है और कुछ नहीं है ये तो दोनों जगह वही है और कुछ आर द टू रूट्स M plus 3, M plus 3, दोनों जगह तो वही है बी 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 अच्छा तो दूसरा रूट दूसरा आपको करना होगा सर दूसरा क्या सर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा मैंने कहा इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने कहा मुझे लगा इसमें से दो इक्वेशन बन जाएगा दोनों बराबर है मजाक हो गया हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा थ्री एम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा बी क्योंकि ए यहाँ पे वन है तो सीधा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वहां से कितना होगा सर बी माइनस फोर और यहां से कितना होगा एम एम इज इक्वल टू बी माइनस फोर अब इससे कुछ मजेदार चीज आया सर इससे तो मजेदार चीज आया सर क्या अगर b बराबर 3m तो इस b के जगह जब मैंने 3m डाला तो 3m माइनस m 2m इज इक्वल टू 4m का मान दो आया है क्या जल्दी से बता मेरे भाई और वंस तुझे m का मान फोर मिल गया तो मुझे बता यहां पे आप अगर m को 4

दोनी चार चार प्लस दो छह ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है, है ना अगले पॉइंट पे आएंगे तो उसने क्या कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हमारा पांच आया था तो दो पंजे दस ये आपका आया था तो छुनी बारह इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू बाईस आएगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर क्लियर करना कुछ नहीं है ये एक सवाल है ओहो ब्रिलियंट सवाल आहा इसको मैंने पेपर में भी किया हुआ था मैंने आपको सेल्फ गिवेन एनालिसिस में ये क्वेश्चन करके दिखाया था नहीं, नहीं 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 ये करके दिखाया था हाँ सेल्फ गिवेन एनालिसिस में करके दिखाया था आई बी अब बढ़िया सवाल था पीओ मेंस 2022 आई बी पीओ मेंस या एसबीए पीओ मेंस किस पेपर में मैंने ये वाला किया था आई या फिर एसबीए कौन एग्जैक्ट मुझे याद हाँ नहीं बट ये बहुत धुआंधार सवाल था एक ही तो दिल है कितने बार जीतोगे सर अरे जितने बार जीत सकते हैं उतने बार जीतने की कोशिश करेंगे दोस्त मेरे साथ चलो नहीं तो भटक सकते हो मेरे भाई ठीक है मेरे साथ चलो मैं इधर आ जाता तो भाई जगह तो पूरा ऑक्युपाई हो गया उधर उस साइड में रखना चाहिए था क्वेश्चन आपको एक इक्वेशन दिख रहा है x2 bx c 0 नॉर्मल जेन्युइन इक्वेशन है एक दूसरे वेरिएबल y को इस्तेमाल करके

ओ, ये मेरा इफेक्ट है जो भूख लगता है तो आ, मतलब जब 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 होता है आपको पता है ना होता है किसी को होता है मुझे होता है मैंने दोपहर कोई लंच किया था उसके बाद तो मैं कंटेंट पे लगा हुआ था कंटेंट बनते बनते सात बजने के लिए तीन मिनट चार मिनट था मैंने लॉग इन कर लिया था अच्छा मतलब -जब, -जब, जब 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 होता है किसी को पता है वो वाला चीज चलो मैं पढ़ाता हूँ इसको बात किसी को भी नहीं पता चलो छोड़ो तो देखो डी और बी अगर लेस देन ट्वेंटी एट प्राइम नंबर टू डिजिट वाले थे तो इलेवन थर्टीन सेवनटीन थे डी ग्रेटर देन और बी ग्रेटर देन अब से डी बड़ा होगा और डी से बी बड़ा होगा मतलब और बराबर तो नहीं हो सकते बड़े की बात अब ग्यारह तो ना डी हो सकता है ना बी हो सकता है अब डी छोटा होने के कारण क्या क्या मान रख सकता है थर्टीन और सेवनटीन सर नाइनटीन क्यों नहीं क्योंकि दोस्त अगर डी नाइनटीन हो गया तो बी इससे बड़ा और ट्वेंटी से छोटा टू डिजिट प्राइम नंबर कैसे हो सकता है तो यही पॉसिबिलिटीज आपके डी के रहे और बी इससे बड़ा होने के कारण जब ये थर्टीन होगा तो बी को सेवनटीन और जब डी सेवनटीन होगा बी को नाइनटीन जिसको समझ नहीं आया तो समझाने के लिए एक पॉइंट कि अगर मैं डी को नाइनटीन ले लू तो इसको उसके ऊपर प्राइम नंबर होने के लिए तेईस हो जाएगा जो कि इस पॉइंट को वैल्युएट कर लेगा तो क्या मैं इसको हटा दू यहां तक बात साफ है ठीक है उसने कहा स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन आर सेम इन दोनों के स्मॉलेस्ट रूट जो है वो सेम है ठीक है स्मॉलेस्ट रूट सेम है करते हैं उसका पहले इसमें से और क्या डेटा निकाल लेते हैं ये पॉइंट इस्तेमाल हो गया ये ये पॉइंट पॉइंट इस्तेमाल इस्तेमाल हो हो गया ये point हो गया, ये point हो गया इसको लिखे हैं नो रूट इज इरेशनल कोई भी रूट आपका इरेशनल नहीं है सब रैशनल रूट आएंगे रैशनल रूट कब आता है आज पढ़ाया हूं परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए भाई भी स्कोय माइनस फोर इसी दोस्त हाँ ना तो ई इज इक्वल टू बी प्लस वन इज e इक्वल तो ई e के दो मान एग्जिस्ट करेंगे सत्रह तो अठारह उन्नीस है तो बीस यहां तक क्लियर है e is सर सी के मान तीन हो सकता है पांच हो सकता है सात हो सकता है थ्री सी ये अगर तीन है तो थ्री सी नौ थ्री सी फिफ्टीन और थ्री सी ट्वेंटी वन अगर आपके थ्री सी को बी से ग्रेटर होना है तो बी तो न्यूनतम वैल्यू सत्रह रखेगा तो आपका ना पंद्रह ना नौ सत्रह को काटने योग्य है तो सत्रह और उन्नीस दोनों को काटने योग्य यहां पे इक्कीस हो रहा है तो सी का मान फिक्स हो गया कि सी तुम साथ ही बैठे हो क्या ये पॉइंट क्लियर है तो सी का मान सात क्लियर हो चुका है डी बी इस लाइन को काट दो इसमें से कोई चीज लेना नहीं है ये कन्फर्म है ये कन्फर्म है ये कन्फर्म है ठीक है सर ये कन्फर्म है ये कन्फर्म है ये कन्फर्म है तो अगर यही सारी चीजें कन्फर्म है और उसने क्या कहा ए के ए के बारे में उसने कुछ कहा नहीं ना ये है भी या नहीं ये कोई पॉइंट तो नहीं छोड़ रहा भाई गलत हो जाएगा नहीं तो थ्री इज ग्रेटर देन और स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन इज सेम उसने कहा नो नो रूट रूट इज इज इरेशनल इरेशनल के बारे में उसने कोई भी जिक्र नहीं किया पक्का भाई उन्होंने क्वेश्चन कुछ गड़बड़ करके छाप लिया होगा भाई मेरा यहाँ पे जिंदगी खराब हो जाएगा पूरा पूरा अभी तक का पढ़ाया रेपो खराब हो जाएगा भाई ए के बारे में उसने कुछ नहीं किया चलो ए के बारे में उसने कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ करते नहीं है दोस्तों मुझे एक बात बता ए तो ऊपर वाले इक्वेशन में है तो तू ऊपर वाले इक्वेशन जा क्यों रहा है तू अपने नीचे वाले इक्वेशन जहां तेरे पास डी ई e और सी है उनको दे। तो 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 उनको देख डी डी ई ई और मतलब D, e और सी 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 मतलब सर अब देख, तो अपना सात का मान ले ही लेगा हाँ सर अगर डी तेरा थर्टीन का मान ले पॉसिबिलिटी आएगा भाई चार पॉसिबिलिटी आएगा कैसे भाई सी ने अपना सात ले लिया हां मान लो डी को मैंने तेरह लिया मान लो डी को मैंने तेरह लिया अब जब तेरा लिया तो बी सत्रह हो सकता है उससे बड़ा भाई बी नहीं चाहिए तो बी सत्रह हो सकता है और अगर बी सत्रह हो सकता है तो ये अठारह तो मैं ये पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूं सात तेरह सत्रह अठारह तो ई e को कितना होना पड़ेगा अठारह अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को परफेक्ट स्क्वायर होना होगा क्योंकि सारे रूट्स आपके नो रूट इरेशनल मतलब सारे रूट्स रैशनल हैं

सात तेरह बी को सत्रह होने से फिक्स नहीं है सात तेरह के साथ बी को तो डी से बस ग्रेटर होना है तो उन्नीस का कंडीशन हो सकता है और उन्नीस के साथ बीस का कंडीशन हो सकता है मतलब सात तेरह सात तेरह और ये वाला जो ई है वो बीस अब बीस का स्क्वायर चार सौ ये अच्छा है तेरह सब्ते इक्यानवे का चार गुना थ्री हंड्रेड सिक्सटी फोर चार सौ से थ्री सिक्सटी फोर गया थर्टी सिक्स परफेक्ट स्क्वायर तो थर्टी सिक्स परफेक्ट स्क्वायर है, तो दिस कंडीशन इज फिजिबल सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी सर ये तो दो पॉसिबिलिटी होगा ना मैंने कहा नहीं क्योंकि ये 17 हो गया तो इसको 19 ही जाना पड़ेगा दिस इज लास्ट कंडीशन सेवन सेवनटीन ट्वेंटी तो अगर सर सेवन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी है तो सेवन सेवनटीन में इंटरेस्ट है नाइनटीन में इंटरेस्ट नहीं ट्वेंटी में इंटरेस्ट है ट्वेंटी का स्क्वायर कितना होता है सर ये हो जाएगा चार सौ सत्रह इंटू हो गया खत्म खत्म एक सौ उन्नीस का चार गुना चार सेवेंटी सिक्स ये पॉसिबल नहीं है तो लास्ट तो पॉसिबिलिटी हो वो यही हुआ सेवन थर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी तो सेवन थर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी अगर हो गया तो अब हम कौन से पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे सर हम हम सीधा डालेंगे कि अगर सच में हमारा d थर्टीन है वाई स्क्वायर प्लस e अगर सच में हमारा ट्वेंटी है प्लस c अगर सच में हमारा सेवन है तो सर इसके दो रूट्स कितने कितने होंगे मैंने कहा इसके दो रुट्स? मैंने कहा सर प्लस प्लस है तो माइनस माइनस और तेरह सात को जोड़ने पे ही बीस होता है तो तेरह और सात और सर डिवाइडेड बाय थर्टीन और डिवाइडेड बाय थर्टीन उसने कहा कि जो स्मॉलेस्ट रूट है बोथ द इक्वेशन वो सेम है हाँ? या ना जो स्मोलेट रूट है बोथ द इक्वेशन वो सेम रहेंगे इसका इसका रूट रूट कौन है है सर सर इसका smallest root जो है, ओहो आपको क्वेश्चन ही आधा मिसिंग है इसीलिए हम लोग बीच में अटक गए थे आपको पता है इसका क्वेश्चन क्या होगा सॉरी गाइस क्वेश्चन ही मिसिंग है क्वेश्चन लिखा गया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हाँ ये ना जल्दी से बताओ किसी को अगर मालूम था तो मुझे बता दो हम बीच में ये नहीं बोल रहे थे बड़ा नंबर वही स्मॉलेस्ट होगा छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नहीं बड़ा होता है तो ये माइनस थर्टीन बाई थर्टीन के साथ ये माइनस वन हो गया छोटा और अगर यही माइनस वन इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है ऊपर वाले क्वाड्रेटिक का एक रूट है तो ऊपर वाले का क्या क्या जानकारी आपको मालूम है? है और सी का सात होना मालूम है तो सर मैं आपसे हाँ, आप बताओ किस वन होगा तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दे मैंने कहा कैसे इसको एक नए तरीके जो एक बीच में कमेंट भी आ रहा था उस तरीके से करेंगे कि सर एक प्लस बी थर्टीन एक्स प्लस सी सात इज इक्वल टू जीरो इसका अगर एक रूट माइनस वन है हमने देख लिया है तो दूसरा रूट कैसे निकालेंगे तुम ए निकाल और हाँ ए ही निकालना है ना इसीलिए हमें दूसरे रूट की जरूरत नहीं हम ए कैसे निकालेंगे सीधा वन को सिक्स ए, वन, वन, वन तो ए, तो ए का वैल्यू आप में से किसी का अगर सिक्स आया है जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी हुआ है किसी का जल्दी से बताओ इसको थोड़ा एक बार रिकॉर्ड आप में से किसी का एक का वैल्यू छे आया है मैंने सिर्फ क्या किया दोनों के स्मॉलेट रूट को जब बराबर किया तो स्मॉलेट रूटस वन था माइनस वन जब मैंने यहां सब्सटीट्यूट किया तो माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो तेरह माइनस वन तेरह जी ए सिक्स आ गया है बहुत सही बहुत सही मतलब सिर्फ सर डी तेरा तो भी डी तेरा तो बी तेरा कैसे होगा मैंने बी तेरा ओहो नहीं रे 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 थैंक यू थैंक यू रे बी कहा है बी है ये वाला उन्नीस थैंक यू थैंक यू थैंक यू रे हम्मी क्या हम्म 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 बस वही लास्ट में सब्सटीट्यूशन में मैंने गड़बड़ी में जल्दी जलबाजी में थर्टीन को पिक कर दिया लेकिन डी नाइनटीन है ठीक है ट्वेल्व आंसर आया था पूरा नहीं गलत हुआ है। लास्ट मोमेंट में ही गलत हुआ था उम्मीद करता हूं अभी तक आपके दिमाग में प्रॉपरली चीजें गए होंगे और किस किस किस्म के सवाल हैं जरा एक बार हम देख ले एक बड़ा हल्का सा सवाल आपको पूछा गया था मेंस का ही ये वाला आपको कुछ नहीं करना है बस संयम रखना है और संयम रखते ही आंसर कैसे आ जाएगा मेरे दोस्त ध्यान से सुनना माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई टू दीपार माइनस टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिक्स इस वाले को अगर आप एक्सपेंड करो तो 2a में a का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर होगा a का माइनस -1 के साथ माइनस -1 और यहां से आप 3 लेके उधर चले जाओगे हाँ सर माइनस माइनस प्लस माइनस 6 के दो फैक्टर्स माइनस करने पे 1 तो तुमने कहा 3 और 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या मेरे दोस्त तुम्हें a का मान मिल चुका है यस yes, सर अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि y टू दी पावर माइनस टू का मतलब क्या होता है सर किसी चीज का नेगेटिव पावर हम नहीं निकाल सकते पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसको रेसिप्रोकेट करके नीचे लेना पड़ेगा तो ये वन बाई वाई स्क्वायर है

तुम उनसे बोल रहे हो पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं था अगर किसी को समझ नहीं आया तो इसमें से एक स्टेप और लिख दो उल्टा के y square, इसको उल्टा के के स्क्वायर इसको तो इस वजह से y का मान कितना आएगा एक my, आएगा एक दोस्त, एक प्लस माइनस चीज याद रखिएगा जब पहले वाले इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया दूसरे वाले इक्वेशन का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया तो रिलेशन कभी नहीं बता सकते क्योंकि इसका पॉजिटिव हमेशा इसके नेगेटिव से बड़ा रहेगा लेकिन इसका नेगेटिव हमेशा इसके पॉजिटिव से बड़ा होगा तो एक छोटा बड़ा का रिलेशन अपोजिट साइड जो आ जाएगा वो इनमें रिलेशन बनने का कोई भी चांस नहीं देगा मेल में मैंने भेजा नहीं था मैंने कहां -कहां भेजा था पता है आपके ग्रुप में भेजा था जो उस क्लास में है हायना मैंने नोटिस बोर्ड में लगाया है जल्दी बताओ हायना मैंने पुश नोटिफिकेशन भेजा है इतने चीजों के बाद भी अगर आपसे ये चीजें मिस हो रहे हैं मैं और क्या ही कहूं दोस्त सर सारे क्वेश्चन करवा था हाँ सारे हाँ क्वेश्चन लोग एग्री करोगे कि मैंने तरफ से आपको ग्रुप में हर ग्रुप में जनित ग्रुप में और ग्रुप में मेंशन किया था मैंने नोटिफिकेशन पुश किया था कि क्लास ये हो गया है और एक आपको नोटिस बोर्ड जो आपका है उसके अंदर भी डलवाया था सर पिछले क्वेश्चन में ए कैसे आया थोड़ा बता दीजिए ए आने के लिए दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि

वो दूसरे इक्वेशन के छोटे रूट के साथ बराबर होने वाला था दूसरे इक्वेशन का छोटा रूट माइनस वन आ गया तो माइनस वन डालते ही वो इक्वेशन को जीरो करने वाला था और जब मैंने माइनस वन डाला तो वो इक्वेशन को जीरो बना दिया एक्स के जगह मैंने माइनस वन सब्सटीट्यूट किया तो एक्स का स्क्वायर प्लस वन ऐसे ही देखिएगा इस चीज को उसने कहा क्वांटिटी ए एंड बी अगर थर्टी थ्री बाई थ्री परसेंट यानी कि वो भी किसका स्क्वायर रूट ऑफ एटी वन का तो मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एटी वन बोल रहा मतलब यहां से पॉजिटिव रूट को लाना और नौ का वन थर्ड जब मैं करता हूं तो इसका मान थ्री होना तो बी तो तीन है साथ ही साथ उसने कहा बी स्क्वायर जो है वो छोटा है ए से तो अगर बी स्क्वायर ए से छोटा है तो जब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं ए और बी स्क्वायर का तो मैं डेफिनेट बात है ए माइनस बी स्क्वायर करूंगा और यही जो ए माइनस बी स्क्वायर है यही डिफरेंस आपका वन आना चाहिए अब ए अपने जगह बी अगर तुम्हारा थ्री आया है तो थ्री का स्क्वायर मैंने नाइन डाल दिया वही अगर वन है तो ए का मान कितना हो गया मेरे दोस्त सर ए का मान टेन हो गया तो यहां से आपको फाइंड द सम ऑफ ए बी चाहिए था सर है, है, तो और तो तो सेकंड क्वानिटी को आंसर मार्क होगा जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयार ओके सर हो गया हो गया ना इस वाले सवाल को देखो कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं कितने लोग नहीं जल्दी से और कुछ ही सवाल है यार आपको दिख भी रहा होगा स्लाइड एंडिंग होने को आ रहा है तीन चार सवाल है खत्म करके जाओ आज नौ बजे में क्लास नहीं ले पाया यूट्यूब पे यार सोच रहा हूं कि ये क्लास बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा तो ये क्लास एक बार उनको ड्रॉप कर दूं। वीडियो दूट्यूब पे कर भला तो हो भला भाई मैं तो दूंगा आपको लग रहा है कि सर लॉस हो जाएगा हमने तो पेड़ लिया था पेड़ में आपके लिए बहुत चीजें आएंगे वो अलग बात है वो सब नहीं कह रहा मैं सिंपल सी बात है ये चीजें मैं दे तो दूंगा सबको लेकिन सिलेक्शन वही लेगा जो सही में पढ़ेगा आप इसमें पढ़ो यूट्यूब में पढ़ो कहीं पे भी पढ़ो हाँ या ना आप एक बात बोलो ना क्या चीजों की कमी है सच बताओ क्या मेरे क्लासेस की कमी है या किसी एजुकेटर के क्लासेस कमी है फ्री में या पेड में कहीं पे भी क्लासेस की कमी नहीं है सिलेक्शन वही लेता है जो खुद सिद्धत से पढ़ता है कंटेंट अवेलेबल है जैसे कि मैं इस कंटेंट को अपलोड करूंगा उसमें कितने ही व्यूज आएंगे ठीक है तो आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा क्योंकि मैंने आज रात के नौ बजे लेने का प्रॉमिस आज कंटेंट नहीं बन पाया नहीं तो मैं लेता रात को बजे बढ़िया सा लेता है मैंने सेट बना लिया था एक most expected paper का चलो कोई <coughs> स्टार्ट करें गिवेन क्वेश्चन अब दुखने लगा है क्वानिटी वन और क्वानिटी टू ए और बी के ऊपर ही डिपेंडेंट है आपको पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है भाई 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 भाई, भाई बढ़िया सवाल है आप ब्रिलियंट 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 <laughs> सर क्या यहां पे आपके पास है टू टू दी पावर थ्री ए प्लस बी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ थर्टी टू भाई इसको कॉम्प्लेक्स मत करो कुछ बच्चों ने कॉम्प्लेक्स कर दिया होगा दोनों साइड स्क्वायर करके किया है ना सच बताओ किया है ना करना चाहते हो तो कर सकते हो कि इस साइड स्क्वायर क्या इस साइड स्क्वायर किया तो a टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन ये पावर मल्टीप्लाई हो गया तो 2 टू दी पावर थ्री ए इंटू है प्लस बी इंटू टू ये मल्टीप्लाई होता है ना 2b और यहां पे ये रूट रूट हटके बत्तीस अगर मैं उसको 2 के पावर में लिखो तो 2 टू दी पावर फाइव एग्री करोगे अगर आप चाहते हो कमजोर दिल वाले हो रूट को हटा सकते हो सर कमजोर दिल वाले रूट को हटाए आप क्या करते मैंने कर, मैं ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करता बत्तीस को टू टू लिखा जा सकता था और रूट को हाफ पावर दिया जा सकता था मतलब मैं to the power by में इस चीज को express कर पाता आंसर आता है है की ओर आ रहा है, तो हाँ रहा तो जैसा हमारा हाथ चल होंगे जब उनके पावर बराबर होंगे मतलब plus B का मान को पांच होने से कोई नहीं रोक सकता सेकंड वाला इक्वेशन है आपके पास टू टू दूस थ्री बी बाई टू 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 दी पावर टू ए प्लस थ्री बी बाई टू और यही अगर रूट बत्तीस के साथ बराबर है हम उन दोनों को बराबर कर देते हो जाता का नहीं चलो उन दोनों को भी तो बराबर किया जा सकता था उन दोनों को बराबर करके थ्री ए प्लस बी को टू ए प्लस थ्री बी बाई टू के साथ बराबर करते तो एज इक्वल टू पॉइंट फाइव बी मतलब बी बड़ा है ए से बी मैंने लेकिन कितना है वो नहीं पता चलेगा ना ये न्यूमेरिक चाहिए आप समझे मेरी बात को यहां से आपके पास ए बी का रेशियो आ जाता सिर्फ इन दोनों को इक्वेट करने पे अब रेशियो अगर एक बी होता एक ए होता तो मैं रिलेशन बता सकता जो भी है

तो यहां से बेसिस बराबर वैल्यूज बराबर होने के लिए पावर को बराबर होना होगा फोर ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू फाइव ठीक है फोर ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू फाइव क्या करें क्या करें क्या करें आ, इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो इसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अट्ठारह ए प्लस सिक्स बी पंद्रह उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो आठ ए छ माइनस जब अपन ने किया तो टेन ए इज इक्वल टू फाइव ए का मान आया हाफ किसी ने देखा फाइव बाई टेन मतलब हाफ अगर ए हाफ है तो फोर का हाफ टू टू अगर फाइव से जाएगा तो थ्री 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 से कटेगा वन तो बी का मान है एक अगर बी का मान एक है और ए का मान आधा है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बी माइनस ए वो आधा है और आधा इस एक से हमेशा क्या रहेगा सदैव छोटा छोटा मतलब ऑप्शन नंबर बी आप में से किसी ने ऑप्शन नंबर बी को आंसर कहा था मेरा वन टू आ रहा है सबका हाँ सबका वन टू ही आ रहा है 1 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ब्यूटीफुल सही उत्तर है कर पाओगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगला सवाल चलते हैं ये एक और सवाल है। देखिए उसने कहा वैल्यू जो एक्स का है वो मुझे बताओ एक्स का वैल्यू हमें बताना है वो क्वांटिटी वन है एक्स अगर पी क्यू और आर जो है ये एक बार आप ट्राई करो ना मैं तब से कर ही जा रहा हूं आप एक बार कुछ करो थोड़ा हाथ पर चलाओ गिर मत मैं तुझे उठाने की क्षमता नहीं रखता हूं और अरबी असिस्टेंट के लिए अरबी असिस्टेंट के लिए भी प्रैक्टिस क्लास लगेंगे पहले आईबीपीएस क्लर्क मेंस को जाने दीजिए दोस्त हाँ या ना

अगर पी क्यू आर जो है वो तीन की पी प्लस फिर हटा के सेकंड दो से स्टार्ट किए गए दो तीन चार फिर तुम्हें नौ मिल गया होगा फिर तुम खुश हो गए हो अरे वाह मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ फिर तुम सोचे हो इसमें टैलेंट की क्या बात है तो कोई भी निकाल लेगा बट टैलेंट तो है आप में खुद को शाबाशी देने में हम पीछे नहीं हटते इस चीज का हमारा बहुत टैलेंट है और इस बात का हमें नहीं है सर पी क्यू आर टू थ्री फोर है मैंने कहा तो तो कि फोर है, है, है मैंने कहा ठीक है सर यहां पे हमारे पास है एक्स टू पावर आर आर मतलब कितना मेरे भाई सर आर मतलब चार माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स टू दी पावर पी पी मतलब मेरे भाई टू प्लस ट्वेल्व टू पावर टू क्यू बाई थ्री पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो टू क्यू बाई थ्री क्यू मतलब थ्री टू इन थ्री बाई थ्री तो ये तो कट के सीधा दो ही बन जाएगा और यही हमारा जीरो है तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त हाँ सर ये तो एक्स टू दी पावर फोर माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्स वन फोर्टी फोर इज इक्वल टू जीरो है सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से सुनना इसको कैसे सॉल्व करते हैं वन थ्री फाइव ए वन थ्री फाइव ये क्या गया हैं भाई ये क्या गया 135 बोल भाई क्या हो गया बोल भाई बोल बोल ढीला हो गया क्या <laughs> अरे सॉरी माफ कर अरे यार सॉरी यार दिल पे मत लीजिएगा मैं थोड़ा अभी मूड में हूँ मजाक करने का बहुत पढ़ा लिया तो थोड़ा बीच में ऐसा एंटरटेनमेंट चल नहीं चाहिए दोस्त ठीक है

माइनस प्लस के दो रूट्स भी हमने देखे प्लस प्लस बड़ी खूबसूरत तरीके से 144 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 25 वो भी हमें मिल गए 16 और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो 144 ऐड होंगे तो 25 सब कुछ खूबसूरत चल रहा था लेकिन फिर हमें याद आया कि हम अभी तक आंसर तक नहीं पहुंचे सोलह नौ से क्यों क्योंकि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर है जहां पे वेरिएबल ए बैठा है एक सवाल में आपने मुझे रेक्टिफाई किया था जहां पे मैंने स्क्वायर लिखा था एक कमेंट आया था कि सर सब कुछ सही है बट जेड डालो क्योंकि वो उसी वेरिएबल के बेस्ट पे इक्वेशन है तो ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल बेस्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिससे हमने का मान निकाला था बट दोस्त आपके जानकारी के लिए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं जो ए है वो नियम अनुसार है क्या जो ए है वो एक्स का स्क्वायर है मतलब जो ए सोलह है वो एक्स का स्क्वायर है सोलह जो ए नाइन है वो एक्स का स्क्वायर है स्क्वाइन और जब x का स्क्वायर 16 होता है तो x के दो मान आते हैं प्लस चार माइनस चार और जब x का स्क्वायर 9 होता है तो x के दो मान आते हैं प्लस तीन और माइनस तीन क्या ये चीज क्लियर है तो इसके चार रूट्स आएंगे, ऑर्डर ऑफ दूट्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एंड आर दे प्लस फोर माइनस फोर प्लस थ्री माइनस थ्री एंड आफ्टर फाइंडिंग ऑल दीज रूट्स अब मुझे सिर्फ y के मान में इंटरेस्ट है सर मैं y के पास गया सर मैंने कहा गया तो क्या मिला सर माइनस प्लस के दो रूट प्लस प्लस हो गए सर बीस के दो फैक्टर्स करने पे नौ, ये तो बड़ा सिंपल था सर पांचा। लेकिन इसके में थोड़ा समय लगेगा कैसे जब मैं x की बात कर रहा था तो x में हमारे पास प्लस चार भी था माइनस चार भी था प्लस तीन भी था और माइनस तीन भी था और जब मैं y की बात कर रहा हूं तो वहां पे हमारे पास पांच है और चार है एग्री करोगे y का मान पांच और चार और ये सारे के सारे वैल्यूज़ अगर ऐसा है तो रिलेशन कैसा निकलेगा आपको मालूम है सर कैसा? ये आपका छोटा था तीन भी छोटा था माइनस तीन भी छोटा था बट एक ही प्लस चार है और ये एक प्लस चार है जो आपस में बराबर भी होने की संभावना रखते हैं तो मतलब खाली हर बार छोटा एक है वही से कहना सही नहीं होगा एक ऐसा केस उत्पन्न हुआ है जिसके चलते एक्स वाई के साथ बराबर भी हो सकता है और एक्स लेस और इक्वल टू वाई आपका ऑप्शन नंबर डी में है तो वही इस सवाल का बेहतरीन ब्यूटीफुल सही उत्तर हो जाएगा तो आप में से जितने लोगों ने धैर्य के साथ संयम के साथ ऑप्शन नंबर डी एक्स और क्वान्टिटी एक वन लेसू कहा है जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे अगला सवाल अपना क्या है बड़ा सिंपल सा सवाल है बड़ा प्यारा सा सवाल है ठीक है

256 का अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 क्योंकि नेगेटिव रूट निकलता नहीं अगर y स्क्वायर 16 है तो y का मान क्या आएगा एक आएगा प्लस चार एक आएगा माइनस चार तो y का एक प्लस चार और एक माइनस चार आने के बाद अब जब मैं आपसे रिलेशन पूछूं तो माइनस चार चार से छोटा माइनस चार, चार से बराबर तो कभी छोटा हो सकता है कभी बराबर हो सकता है तो इस केस में भी आंसर आपका क्या होगा एक्स लेस और इक्वल टू वाई यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है ये इंडिसेस के सवाल है इसको अलजेब्रा वगैरह नहीं कहा जाता दोस्त ठीक है ये ये इंडिसेस के सिंपल कंपैरिजन वाले सवाल है ये है क्वेश्चन जहां पे आपका अलजेब्रा का इस्तेमाल हो सकता है ये एक सवाल है जहां पे आपका अलजेब्रा का इस्तेमाल हो सकता है हल्का फुल्का क्या कुछ करना है देखना ध्यान से एक क्वेश्चन है जो आपको आरबीआई ग्रेड बी में पूछा गया था और देखो ये एक है ऐसा सवाल जिसमें क्वांटिटी कंपैरिजन कैसे करना होता है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पेंस को ड्रॉप कर मेरे भाई पक्का भरोसा रखो ड्रॉप कर दिया ध्यान से सुनना लास्ट क्वेश्चन है मुझे मेरा पेशेंस थोड़ी कमी हो रही है उसने मेरे दोस्त कहा कि पी जो है वो ग्रेटर देन वन है वन जो है वो ग्रेटर देन क्यू है और क्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो मुझे वैल्यू बताना है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब बाई पी माइनस क्यू माइनस थ्री पी क्यू ऐसे सवालों के लिए अगर ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आपको आपको याद होना चाहिए जो कि होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी होल इन टू ए प्लस बी और ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए जो कि होता है माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी होल इन टू ए माइनस बी सिमिलरली आपको कुछ और प्रॉपर्टी सी का होल स्क्स बी प्लस सी का होल क्यूब ऐसे अगर छोटे छोटे फॉर्मूला आप अगर याद रख लोगे तो ऐसे सवालों में भी आपको कोई कठिनाइया कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो सर इस क्वेश्चन को अपन को कैसे सॉल्व करना होता है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ऑब्वियस बात है अगर मैं इसको सिंपलीफाई नहीं करूंगा तो मैं डायरेक्टली कैसे कंपेयर करूँ जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो यहां पे लिखा हुआ क्यूब क्या कहलाएगा सर पी क्यू माइनस क्यू क्यूब कहलाएगा पी माइनस क्यू पी स्क्र प्लस क्यू स्कोर प्लस पी क्यूब और यह कहलाने के बाद जब नीचे मैं इसको पी माइनस क्यू से भाग दूंगा तो पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू कट जाएंगे और यहां पे जो थ्री पी क्यू माइनस होगा वो अब इस नियोमिनेटर से डायरेक्टली माइनस हो सकता है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं जब मैंने पी स्क्वायर और क्यू होगा तो माइनस का टू पी क्यू होगा तो आप मुझे क्या कहोगे कि सर मैं तो ये कहूंगा ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है ये माइनस टू ए बी है मतलब इन शॉर्ट ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये पी माइनस क्यू के होल स्क्वायर के फॉर्म में रह जाएगा सर क्या इतना काफी है मोर देन काफी सर क्यों अब दूसरे के पास आओ दूसरे से हमें क्या सीखने के लिए मिला सर दूसरे से हमें सीखने के लिए मिला कि वन माइनस वन बाई क्यू कितना होता है? मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं क्या क्यून से छोटा है 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 क्योंकि से 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 बड़ा है, तो छोटा छोटा जब भी आप नंबर को डिनोमिनेटर रखते हो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं जब मैं कह रहा हूं कि उसने कहा कि वन इज ग्रेटर देन क्यू जब वन इज ग्रेटर देन क्यू है तो मुझे एक बात बताओगे सर क्या 1/q जो होगा वो क्या होगा सर क्या होगा ये q को अगर इधर ले आओगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि इसको एक नॉर्मल इक्वालिटी मतलब इक्वेशन की तरह आप सॉल्व कर सकते हो इनइक्वालिटी की तरह कैसे जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि x is equal to y तो क्या इस y को नीचे लाके आप कह सकते हो कि x by y 1 हाँ सर क्योंकि भाई आके इधर डिवाइड हो जाएगा तो यहां पे बचेगा 1 तो सेम चीज मैंने किया कि यहां पे क्यू इंटू वन सोचा क्यू को इधर लेके डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास ग्रेटर आप ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हो कैसे अगर मैं, अगर मैं, मैं एक improper fraction का definition पूछू, तो इम्प्रॉपर ये एक तरीका है कि वन बाई क्यू जो है वो greater than one तक पहुंचने का दिस इज वन वे सेकेंड वे क्या है अगर मैं आपसे एक इमर फ्रैक्शन के बारे में पूछूं तो इम्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है सर, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से एग्री करोगे या फिर जिसका वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है हाँ या ना जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं फ्रैक्शन ले सकता हूं नाइन बाई सेवन नाइन बाई सेवन कितना होगा सर ये होगा वन पॉइंट टू एट फाइव सिक्स करके ये चलता रहेगा करके देख लेना कैलकुलेटर में मतलब ये दो चीजों का संकेत है कि जब जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है

दूसरा तरीका क्या है सर दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं वन बाई क्यू करने गया हूं मैंने कहा और देख पा रहा हूं कि वन क्यू से बड़ा है तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो यह एक इमर फ्रैक्शन है और इम्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन रहेगा तो वन से जब मैं ग्रेटर देन वन किसी को भी माइनस करूं तो वो लीड कहां करेगा सर वो नेगेटिव को लीड करेगा सर नेगेटिव से आपको क्या खुशी मिली नेगेटिव से यह खुशी मिली कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है सर ये कब हुआ क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव का पौज़िव बन जाएगा, positive, है लेकिन तो मैं आपको ये दिखाऊंगा किन वन है और Q जो है वो लेस देन वन है तो P और Q कभी इक्वल तो हो नहीं सकते और अगर इक्वल नहीं हो सकते तो ये कभी जीरो ही नहीं हो सकता एंड इवन इफ ये जीरो हुआ,

कि दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव हमने ऐसा देखा ना लेकिन ना तो ये क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू से बड़ा होने के कारण ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है सॉरी 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 आई होप एक छोटा सा एफर्ट आपके सारे चीजों को रिफ्रेश कर दिया होगा अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो उसमें चार चांद लग गए होंगे अगर आपने पहले और हाँ ये कैटेगरी के अगर कोई क्वेश्चन है तो उनको में एक अलग सा में एक से इनिक्वेलिटीज के फॉर्म में आपको बैंक एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है जैसे कि मैंने सारे सवाल रखे मोस्टली आपके पेपर रिलेटेड एक आध ऐसा सवाल भी आता है बट रेयर तो इनको भी मैं एक सेशन में जल्दी से वाइंड अप कर लूंगा ठीक है y y नहीं होगा प्रीवियस क्वेश्चन एक चीज पे नतीजा पहुंचने चाह रहे हो कि सर यहां पे आपके पास ये प्लस सिक्सटीन भी हो सकता है माइनस सिक्सटीन भी हो सकता है तो अंडर रूट के नीचे नेगेटिव नहीं होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा तो अंत में तुम्हें सेम मिलेगा, वाई का तो प्लस चार और माइनस चार ही मिलेगा तुम वैसे भी है सर। पूरा आप खुद ही बताओ ना इससे ज्यादा आपको कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं तो अगर हम ये सेशन को यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं और यूट्यूब पर अगर हमें जनता देख रही है तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सेशन मेरे तरफ से तो पूरा का पूरा एनर्जेटिक खत्म कर रहा हूं मैं यहीं पर अभी के लिए मैं सेशन को एंड करके चल रहा हूं कल दोपहर बारह बजे आपका जेनेसिस बैच में क्लास होगा कौन सा वाला परसेंटेज एंड और, और वाला पार्ट का और शाम के चार बजे एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर हम पिनाकल बैच में भी करेंगे फोकस करेंगे हमने सारा चीज टचअप कर दिया है इन तीन दिन में डेटा सफिशियंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन को थोड़ा टारगेट करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें और रिफ्रेश हो जाएगा सारे तगड़ा तरीके से तो बस इसी के साथ सेशन कर रहा हूं लव यू योर टेक केयर गॉड ब्लेस यू मैं अपने तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ कोई कसर कोई कमी नहीं रह रही है भाई बस आप अपना बेस्ट दो आप अपने तरफ से कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ो सिलेक्शन होके ही रहेगा गारंटी है मेरा आप सभी से क्वांट के वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकेगा क्वांट में आप सरप्लस मार्क लेके आओगे जितना आपको कट ऑफ चाहिए वो तो क्लियर करोगे आपके ओवरऑल के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बस आप डेडिकेटेडली डेडिकेटेडलीस को देखते रहिए थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू थैंक यू सर पेट भर के खाना खाओ आराम करो मस्त गुड नाइट अरे चलो Thank you so much thank you so much love you all Ta bye bye take care thank you yeah. thank you